दसवां स्कंद तीसरा अध्याय 47 नंबर श्लोक। ततश्च शौरिः भगवत् प्रचोदितः। सुतं समादाय ससूतिका गृहात्। यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा। या योग माया जनिनंद जायया। ततश्च शौरिः भगवत् प्रचोदितः। सुतं समादाय ससूतिका गृहात्। यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा। या योग माया अजनि नंद जायया। ततः तत्पश्चात् च निस्संदेह शौरिः वसुदेव भगवत् प्रचोदितः। भगवान से आज्ञा पाकर सुतम अपने पुत्र को समादाय सावधानी से ले जाकर सह उसने सूतिका गृहात प्रसूति गृह से यदा जब बहिर्गन्तुम बाहर जाने के लिए येश चाहा तरही तब उस समय अजा न जन्म लेने वाली दिव्य शक्ति या जो योग माया ने अजनी जन्म लिया नंद जायया नंद महाराज की पत्नी से। ततश्च शौरिः भगवत् प्रचोदितः। सुतं समादाय ससूतिका गृहात्। यदा बहिर्गन्तुम् इयेष तर्ह्यजा। या योग माया अजनि नंद जायया। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका गृह से ले जाने वाले थे तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। किसका जन्म हुआ? योग माया का। सभी लोग दोहराइए अनुवाद। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका गृह से ले जाने वाले थे तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तात्पर्य महाभागवत श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए। कृष्ण दो जगह जन्म लिया एक साथ। प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय को कोट करके कह रहे हैं। कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए। देवकी के पुत्र रूप में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की।
क्योंकि वे कृष्ण से शुद्ध स्नेह दिखला पाने की स्थिति में नहीं थे। शुद्ध स्नेह दिखला पाने की स्थिति में नहीं थे, किंतु यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को ईश्वर माने बिना ही प्रसन्न रखती थी। ईश्वर नहीं मानती थी लेकिन प्रसन्न रखती थी। यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को ईश्वर माने बिना ही प्रसन्न रखती थी। यशोदा के पुत्र तथा देवकी के पुत्र कृष्ण में यही अंतर है। यशोदा के पास चतुर्भुज रूप में नहीं आए, वहां सीधे द्विभुज रूप में आए, और देवकी के पास चतुर्भुज रूप में। हरिवंश के प्रमाण पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह व्याख्या की है। हरिवंश एक बहुत भागवत के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ है, उसको प्रमाण मानते हुए चक्रवर्ती पाद ने उसके आधार पर यह व्याख्या की है। चक्रवर्ती पाद ने हरिवंश के आधार पर व्याख्या की है और प्रभुपाद ने चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य के आधार पर व्याख्या की है, और हम लोग प्रभुपाद के आधार पर चल रहे हैं। दिस इज परंपरा सिस्टम। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दो जगह भगवान ने एक साथ जन्म ले लिया, कैसे एक जीवात्मा दो जगह जन्म ले? जीवात्मा नहीं ले सकता है, परमात्मा तो ले सकता है ना, परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। यही जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक ये नहीं मानेंगे कि भगवान मेरी बुद्धि में नहीं समा सकता, हमारी बुद्धि से परे है, हमारे मन की कल्पनाएं वहां तक नहीं पहुंच सकती जो भगवान लीला कर सकते हैं, जिस प्रकार से वो जन्म ले सकते हैं, और न तो शब्द उनका सही सही वर्णन कर सकते हैं। जो आनंद देवकी वसुदेव अनुभव कर रहे हैं उसका वर्णन कर पाना शब्दों के परे की चीज है। श्री भगवान ने देवकी और वसुदेव की स्तुति सुनी और दोनों की स्तुति सुनने के पश्चात उन दोनों के तीन जन्मों का वर्णन कर दिया। बालक ने अभी जन्म लिया है, अपने माता पिता की कुंडली बता रहा है, एक जन्म की नहीं तीन जन्मों की। यहाँ एक जन्म की कुंडली आदमी की सही नहीं बन पाती, न तो कोई उसको समझ पाता। भगवान तीन जन्मों की बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों ने तपस्या की, मैं प्रसन्न हुआ, मैं आपका पुत्र बना, आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा, मेरे जैसा कोई है नहीं, तो मेरा वचन तो रह गया, मेरे जैसा मांगा था जैसा तो कोई है ही नहीं, तो जैसा नहीं है तो अब जब कोई वचन पूरा नहीं कर पाता है तो उसको तीन गुना देना पड़ता है। तीन बार भगवान उनके पुत्र बन करके आए, तो तीनों जन्मों की कथा भगवान ने सुना दी। उसके बाद उनको उपदेश दिया, युवा माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत, आप मुझे पुत्र भाव से और ब्रह्म भाव से यानी ऐश्वर्य भाव से असकृत बारंबार चिंतयंतो चिंतन करना, मेरा बार बार चिंतन करना तुम लोग। चिंतयंतो कह करके भगवान ने क्या इंगित कर दिया, मैं जा रहा हूं। जब कोई नहीं होता है तो उसका चिंतन ही बाकी रह जाता है, सामने रहता है तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है, नहीं तो चिंतन किया जाता है। चिंतयंतो और बारंबार चिंतन करना दोनों ही भाव से, कृत स्नेह हो, इससे आपका स्नेह बढ़ेगा। किसका स्नेह बढ़ेगा? गलत। किसका स्नेह बढ़ेगा? कृष्ण से।
प्रश्नी और सुतपा का स्नेह बढ़ेगा। प्रश्नी सुतपा साधक थे, वसुदेव देवकी के अंश हैं। जो तात्पर्य में गूढ़ बात बताई जाए उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये साधक थोड़ी है, तो नित्य माता पिता है। नित्य माता पिता का स्नेह तो पहले से ही बहुत बड़ा हुआ है। अब ये साधना करेंगे, चिंतन करेंगे, तब इनका स्नेह बढ़ेगा? नहीं। इनके जो अंश हैं वो भी इनके साथ ही आए हैं। जैसे भगवान जब आए कृष्ण, तो उनके अंश जो है महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, सब उनके साथ आ गए। उसी तरह से भक्तों के भी अंश होते हैं, वो सब उनके साथ में आ गए। तो भक्त अपने अंशों को क्यों भेजते हैं? साधन भक्ति का प्रचार करने के लिए। और सिद्ध भक्त सीधे आ जाएगा, भगवान से प्रेम करता रहेगा, तो सब सहज ही होके बैठ जाएंगे। नहीं तो यहाँ प्रश्नी और सुतपा की तपस्या देखेगा तो व्यक्ति सोचेगा ना कि हाँ, इन लोगों ने तपस्या करके कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया, हमें भी तपस्या करनी चाहिए। तपस्या बहुत जरूरी है। कृष्ण के माता पिता को करनी पड़ी, तो हम क्या हैं? तो बहुत साधारण जीव हैं। तो युवा माम पुत्र भावेन, और देवकी वसुदेव का तो नित्य सिद्ध भाव है, पुत्र भाव, ब्रह्म भाव, ऐश्वर्य भाव युक्त वात्सल्य, ये उनका नित्य भाव है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। दोनों ही भाव निरंतर वृद्धि करते रहेंगे, आनंदम वर्धनम। और ब्रह्म भाव क्यों वसुदेव देवकी के लिए आवश्यक है? जीने के लिए सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर ऐश्वर्य भाव नहीं होगा तो बच्चे की चिंता में क्या हाल होगा माता पिता का? ऐसे कम से कम समझे रहेंगे ईश्वर है, आकाशवाणी हुई थी, इस ये कंस को मारेगा, कुछ कहीं सहारा तो है। छह बच्चे आंखों के सामने मार दिए गए, सातवां कहाँ चला गया पता नहीं है, रोहिणी गर्भ में चला गया, अब देवकी वसुदेव क्या पता कहाँ चला गया। और आठवां जो है वो खुद ही छोड़ के आना पड़ गया, इतनी इनसिक्योरिटी है, जेल के अंदर कंस आएगा तलवार लहराता हुआ भी है, आ रहा होगा। वसुदेव जी ने अपनी प्रार्थना के अंत में यही कहा कि वो आ रहा होगा हथियार हाथ में लेकर के, बहुत भयभीत हैं। छह बच्चे मर गए, सातवां पता नहीं कहाँ गया, आठवां की जान पे बनी हुई है। आठवें का ही तो इंतजार कर रहा था कंस इतने दिन से। अब जेल में सात सात दरवाजे, पहरेदार और सिंह तक तो बाहर खड़े हैं, क्या किया जाए, कैसे सुरक्षा करें उस बच्चे की, क्या माँ बाप के दिल बीत रही होगी। इसलिए भगवान ने कहा ब्रह्म भाव भी रखना तुम लोग। और फिर जेल के अंदर आते रहते थे अक्रूर आदि, वो वसुदेव को बताते रहते थे कि बड़ी खतरनाक प्लानिंग चल रही है, पूतना भेजी गई है, अभी ये भेजा गया है, अघासुर बकासुर सब बताया जाता था। नंद बाबा जब आए थे मिलने के लिए, तो इन्होंने कहा था आप तुरंत वापस जाइए, गोकुल में कुछ खतरा है। जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी थी। तो एक तो ये दशा, खुद जेल के अंदर हैं, सात बच्चों का कुछ ऐसा हो गया, आठवां जो है उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, माता पिता करें तो क्या करें, ये ब्रह्म भाव ना हो तो क्या कर पाएंगे बेचारे। इसलिए ये जो ऐश्वर्य भाव है इसका इतना बड़ा महत्व है। भगवान अपने पार्षदों की, अपने माता पिता की जीवन रक्षा के लिए उनको ये उपदेश देके जा रहे हैं कि ब्रह्म भाव और पुत्र भाव दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास निरंतर रहना चाहिए। असकृत भी कह दिया भगवान का, बार बार दोनों भाव से चिंतन करना मेरा, भूल ना जाना मैं भगवान हूँ, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखा दिया है, शंख चक्र गदा पद्म। चिंतयंतौ कृतस्नेहौ,
अब कृत स्नेह जो है चिंतन करने के बाद स्नेह बढ़ेगा और यास्य थे मद गतिम पराम, मेरी गति को प्राप्त करोगे, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। धाम को तो सभी लोग जब लीला संवरण करते हैं भगवान यहाँ पे तब तो सब सब धाम जाते ही हैं पार्षद लोग, लेकिन ये जो साधक थे कृष्ण सुतपा ये पहली बार जा रहे हैं, इसलिए इनको कहा जा रहा है कि तुम जो है परम गति को प्राप्त करोगे। और वसुदेव देव किसे क्या कह रहे हैं इसी शब्दों के द्वारा, यास्य थे मद गतिम पराम, उनके लिए मद गतिम का क्या मतलब है, बाद वाली लीला, गति का मतलब लीला भी होता है, गतिम पराम यानी बाद वाली लीला, पराम माने बाद वाली, यानी अभी तो मैं गोकुल में जाके लीला करूंगा, उसके बाद जब मथुरा लीला और द्वारका लीला में उसमें आप लोग भी मेरे साथ रहोगे, उसमें आप प्रवेश करेंगे। यास्य थे मद गतिम पराम, ये भगवान ने लास्ट श्लोक बोला, उसके बाद भगवान चुप हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हरि ही इति उक्त्वा तूष्णिम आसीत, मतलब हरि ये कह के चुप हो गए। कौन चुप हो गए, हरी। कौन हरी, जो अपना चतुर्भुज रूप दिखा करके वसुदेव देव की को, जिन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, उनकी बातें सुनी, खड़े हुए हैं चतुर्भुज रूप में, वसुदेव देव की हाथ जोड़ करके सिर झुका करके और उनको नमन करते हुए उनके उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान खड़े होकर के सब सुन रहे हैं और सुनने के बाद उनसे बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकेशन हो रहा है दोनों के बीच में। तो भगवान ने बात की, भगवान जो बोलते हैं बहुत मीठा बोलते हैं, तो भगवान के मधुर वचन जब कान में पड़े तो मन का हरण हो गया, वसुदेव देवकी के मन को भगवान ने अपनी मधुर वाणी से हर लिया, उससे मधुर कुछ है ही नहीं कोई वाणी। भगवान पुत्र बन जाए फिर बात करें, इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य किसी का। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम, अब क्या करेगा जीव, जब मन हर गया, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, बस यही करना है, अब दूसरा कोई काम ही नहीं है। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन लिखे रहते हैं लोग अपनी टी शर्ट में, तो फिर कृष्णा कृष्णा करना चाहिए हर समय, अगर लॉस्ट हो गया तो। सचमुच अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर और अपने वचनों से देवकी वसुदेव के मन को हरने वाले हरि वो चुप हो गए, सबके मन को हार करके उसके बाद चुप हो गए। ये है इनका काम, ये है, फिर वो श्री विग्रह के रूप में आके खड़े हो गए चुप। और सिर्फ वसुदेव देव की नहीं, अब उनकी जो हम लीला सुनेंगे ध्यान पूर्वक तो क्या होगा, हमारे मन को भी हर लेंगे। स्वेच्छा से सबके मन को हरण करने में समर्थ श्री हरि, उनकी इच्छा होगी तो हमारे मन को हरण करेंगे, अगर हम मन उनको देना चाहेंगे तो वो मेरे मन को हरण करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। ये टॉप मोस्ट है, मन मना भव। सेकंड लेवल पे क्या है, मद भक्तो। थर्ड लेवल पे क्या है, मद याजी। फोर्थ लेवल पे क्या है, माम नमस्कार। ठीक है, तो वसुदेव देवकी का तो मन हरण कर लिया। भगवान आत्मा मायया पित्रोः संपश्यतो सद्यः प्राकृतः शिशु बभूव। भगवान आत्मा मायया माने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, आत्म माया माने अपनी इच्छा से
पित्रोह संपश्यतो, माने पित्रोह द्विवचन यानी माता पिता, और तो कोई है ही नहीं वहां पे, माता पिता के देखते देखते, देवकी वसुदेव के देखते देखते, संपश्यतो सद्य है तुरंत प्राकृतः शिशु बभूव, प्राकृत शिशु हो गए। अब बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, प्राकृत शिशु हो गए भगवान, इसलिए बहुत बड़े बड़े तात्पर्य आ गए, पिछली बार सब बताया था। कौन प्राकृत शिशु हो गए? भगवान। भगवान माने षड ऐश्वर्यशाली देवकी नंदन, छह ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है वो क्या हो गया? बालक हो गया। बालक में कौन सा ऐश्वर्य होता है? कोई ऐश्वर्य होता है? कोई उसका यश होता है? अभी तो पैदा ही हुआ है। प्राकृत शिशु हो गए, प्राकृत शिशु में तो न तो कोई ऐश्वर्य होता है, न उसके अंदर बल होता है, न उसके अंदर कोई ज्ञान होता है, तो सब ऐश्वर्य से विहीन होता है। तो जो ऐश्वर्य भाव विहीन भक्त हैं ब्रिज में, अब उधर चलने की तैयारी है, तो वहां जाकर के अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे क्या? तो भगवान ने भी ऐसा रूप धारण किया है जिसमें अब ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, तभी ट्रांजेक्शन सही होगा, तभी आनंद आएगा लीला में। तो बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान प्राकृत शिशु हो गए, माने ऐश्वर्य भाव से रहित हो गए। संसार में जीव क्या करता है? पैदा होने से लेकर के अब वो ऐश्वर्य इकट्ठा करने में जीवन बिता देता है। हम धन कमा लें, हम सुंदर हो जाएं, हम ब्यूटी पार्लर चले जाएं, हम पढ़ लिख जाएं, ज्ञानी हो जाएं, सब ऐश्वर्य बटोर रहा है जीव। हमारा यश फैल जाए, और भगवान को जब आनंद लेने की इच्छा हुई तो क्या किया उन्होंने? जो सर्वोत्कृष्ट आनंद ऐश्वर्य छोड़ दिया। और भक्तों को भी जब सबसे बड़ा आनंद चाहिए होता है, षड गोस्वामियों ने क्या किया? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत्, ऐश्वर्य छोड़ा। भगवान को जब सर्वोत्कृष्ट आनंद चाहिए था तो उन्होंने ऐश्वर्य छोड़ा, भक्तों को जब सबसे बड़ा आनंद चाहिए था उन्होंने भी ऐश्वर्य छोड़ा। और जो ऐश्वर्य बटोर रहा है वो आनंद पा पाएगा? सबने तो, भगवान से लेकर के और भक्त तक, जो हमारे आइडियल्स हैं, उन सब ने ऐश्वर्य छोड़ करके आनंद पाया है। भगवान आत्म मायाया पित्रो संपश्यतो, माता पिता के देखते देखते। अच्छा, माता पिता भी क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा खूब ऐश्वर्यशाली बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फलाना बने, ढिकाना बने, ऐश्वर्यशाली हो जाए। और माता पिता के देखते देखते सब ऐश्वर्य छोड़ दिया। माता पिता ने कुछ नहीं कहा, माता पिता तो खुद ही कर देगी ऐश्वर्य छोड़ो। उन्होंने तो प्रार्थनाएं की थी, ऐश्वर्य मत रखो अपने पास, निकंस आएगा, देख लेगा, मार देगा। यही बात एक रुपया रखने वाले ईशान से कही थी रूप गोस्वामी ने, ये एक सोने का सिक्का लेकर मौत सिर पे लेके घूम रहे हो। जब उसके पास जो सराय थी, उसके जो मालिक था, उसके पास एक ज्योतिषी था, वो ललाट पढ़ करके समझ जाता था इसकी जेब में पैसे कितने हैं। और वो आव भगत करने लगा तो रूप गोस्वामी ने कहा कि ये आव भगत ज्यादा क्यों कर रहा है, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? आओ भगत कर रहा है माने कि कुछ इसने देखा है, इसका स्वार्थ कहीं आ रहा है, तभी तो आओ भगत कर रहा है ज्यादा। मैंने कहा ये क्या मृत्यु को सिर पे लेके घूम रहे हो, उसको दे आओ। उसके पास 8 सिक्के थे तो 7 दे आए, 1 तभी बचा लिया। रूप गोस्वामी ने कहा तुम जाओ घर, ये 1 रुपया तुमको बचाएगा। सोच रहे हो दोनों को मरवाओगे तुम। वो सराय वाला देखता तो पैसे छीन करके मार डालता था सबको। तो माता पिता खुश, ऐश्वर्य छोड़ दिया। कृष्ण खुश, हमको जहां जाना है वहां ऐश्वर्य का काम ही नहीं है।
छठ गोस्वामी खुश ऐश्वर्य छोड़ करके, गोपी भाव रसामृताब दिलहरी कल्लोल मग्नो मुहुर, आनंद में है बिल्कुल, गोपी भाव में ऐश्वर्य छोड़ करके। और कैसे छोड़ दिया? स्वेच्छा से, आत्ममायया। बालक कैसे हो गए? आत्ममायया। विष्णु की कितनी ख्याति है, अभी नया नया कोई बच्चा है प्राकृत बालक, उसकी क्या ख्याति है, सब छोड़ दे। ख्याति छोड़ दे कोई एकदम से, ये भी बहुत मुश्किल है, ये भगवान के लिए ही संभव है। भगवान ने एकदम से सारी ख्याति छोड़ दी, बच्चे हो गए है ना, क्योंकि ख्याति होगी तो फिर कंस ढूंढ निकालेगा, कहेगा इसकी ख्याति बड़ी हो रही है इसको मारो। तो आत्म माया माने स्वेच्छा से, तो किसी की इच्छा नहीं होती ऐश्वर्य भावहीन होने की, लेकिन जिसको सच्चा आनंद चाहिए, नित्य आनंद चाहिए, वही व्यक्ति ऐश्वर्य भावहीन होने की बात सोचता है। आनंद लेने के लिए सारे ऐश्वर्य छोड़ दिए। वे वसुदेव और देवकी के देखते देखते प्राकृत शिशु हो गए। प्राकृत शिशु माने स्वभाव सिद्ध, द्विभुज रूप, नराकृति रूप हो गए। प्राकृत शिशु माने नराकृति स्वरूप, ये भगवान का स्वभाव सिद्ध रूप है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म है भगवान की, द्विभुज नराकृति स्वरूप। तो अब कोई लॉस हो गया क्या भगवान का, सब ऐश्वर्य छूट गया? नहीं, वात्सल्य प्रेम के आधार जनक जननी के लिए श्री हरि के द्विभुज रूप बन जाने से उनके श्री हरित्व की कोई हानि नहीं हुई। ठीक है, उनका हरि, हरि माने उन्होंने मन हर लिया वसुदेव देवकी का, अब तो और खुश हो गए, वो जो वो चाह रहे थे वो हो गया। सबसे पहला काम तो ये चाह रहे थे कि इस चतुर्भुज रूप का संवरण करो जल्दी से, क्योंकि तो कंस देखेगा तो बिना किसी डाउट के वो सीधे अटैक करेगा। बोले वो देखेगा तो हमसे प्यार करेगा, बोले प्यार नहीं करेगा, वो असभ्य है, असभ्य व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, वो अपने स्वार्थ से प्यार करता है बस। पत्नी पति से प्यार दिखाती है स्वार्थ के कारण, पति पत्नी से प्रेम करता है स्वार्थ के कारण, माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं स्वार्थ के कारण, बच्चे माता पिता से करते हैं स्वार्थ, स्वार्थ के बिना कोई संसार में प्रेम नहीं है, सब स्वार्थी। तो वात्सल्य प्रेम के आधार हैं कौन? वसुदेव देवकी जन्म देते हैं, वात्सल्य रस की शुरुआत कर देते हैं, तो बेस हो गया ना, जहां से चीज शुरू हो रही है वात्सल्य रस प्रारंभ हो रहा है, और लोग तो बाद में वात्सल्य करेंगे उससे, पहले पहले तो आधार वसुदेव देव, वात्सल्य प्रेम के आधार अपने जनक जननी के लिए श्री हरि के द्विभुज रूप बन जाने से उनके श्री हरित्व की कोई हानि नहीं हुई। वे अब भी वसुदेव देवकी के मन को हरने वाले हैं और सबके मन को हरने में पूर्ण समर्थ अब भी हैं। बाल लीलाएं देखिए, उसके बाद किशोर लीलाएं देखिए, पौगंड लीलाएं देखिए, सब मन को हरने वाली, कौन सी लीला है जो मन को नहीं हरती। तो द्विभुज हो गए, ईश्वर छोड़ दिया, तो इसका मतलब कि अब हरी नहीं रह गए, अभी भी हरण करेंगे, अब तो और ज्यादा हरण करेंगे। वसुदेव और देवकी को भगवान के कैसे रूप का दर्शन हुआ, उसमें बड़ा कंट्रास्ट है, विरोधी गुण बहुत सारे एक साथ हैं, ऐसे रूप का दर्शन हुआ। उनकी भगवत्ता का भी दर्शन हुआ और शिशुत्व का भी दर्शन हुआ एक साथ। शिशुत्व माने जिसमें कोई ऐश्वर्य नहीं है, और भगवत्ता माने जिसमें सारे ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्य वाला बिना किसी ऐश्वर्य वाला हो गया तुरंत। और ऐश्वर्य और माधुर्य ये भी दोनों एक साथ बड़ा कठिन होता है, ये दोनों एक साथ मिल गए कि कंस मार देगा, चिंता भी हो रही है और ऐश्वर्य भी देख रहे हैं कि गदा भी है हाथ में कौमुदी,
और सुदर्शन चक्र भी है, और जानते भी हैं कि सुदर्शन चक्र क्या कर सकता है। सब महिमा मालूम है वसुदेव देव की दोनों को। बैठे रहते हैं जेल के अंदर दो भक्त, तो क्या करेंगे। कथयन तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, यही होता है वहाँ भक्तों के, तो लक्षण ही यही होता है। भक्त बैठेंगे आपस में तो कृष्ण कथा करेंगे, तो 8 साल से वही सब कर रहे हैं, जब से शादी हुई है तब से कृष्ण कथा चालू है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है माधुर्य और ऐश्वर्य का, और भगवत्ता और शिशुत्व का, भगवत्ता माने कंट्रोलर। एक छोटा बच्चा किसी का कंट्रोलर होता है, वो तो पूरा का पूरा डिपेंड होता है टोटली। हम लोग तो एग्जांपल देते हैं कि जैसे बच्चा माँ बाप पे डिपेंड होता है तो क्या भूखा मर जाता है। माँ बाप सब ध्यान रखते हैं उसका, कपड़े पहनाते हैं, खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, हर चीज़ का टाइम से ध्यान रखते हैं, पैदा होने से पहले से लेकर के उसका ध्यान रखना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड होता है टोटली, इसलिए हमको भी शरणागत होना चाहिए। शरणागति में हम इसका उदाहरण देते हैं। तो कहाँ भगवत्ता और कहाँ डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा कि अब हमारी सुरक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब हम अपने शंख चक्र गदा वदा सब छोड़ दिया ना, तुमने कहा सब छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, अब हम हो गए बच्चे, अब तुम हमारी सुरक्षा करो कंस से। क्या करोगे, अब जिम्मेदारी आ गई। यही जिम्मेदारी तो भक्त चाहता है कि हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, हमको कोई सेवा मिले। अब सेवाएं देखो, अब बच्चे के लिए तो बहुत सारी सेवाएं, तो सेवा करते रहो जीवन भर। तो भगवत्ता और शिशुत्व, ऐश्वर्य और माधुर्य एक साथ मिलकर वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में प्रकाशित हुआ। अब उनके 4 हाथ नहीं थे, 4 हाथ भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। कंस के तो 2 ही थे, 2 से लड़ेगा वो तो 4 से, बाकी के 2 भगवान के फ्री रहेंगे। मान लो 2 ऐसे लड़ा रखे हैं, बाकी के 2 इनके पास उससे कुछ भी कर दे। शंख और पद्म छोड़ दिया, उससे दोनों पंजा लड़ा रहे हैं, और चक्र पेट में चला दी या गदा मार दी सिर पे। 4 हाथ मामूली ऐश्वर्य नहीं होता। तो अब 4 हाथ नहीं रहे, अब 2 हाथ हैं। शंख चक्र गदा पद्म कहां गए वो भी पता नहीं है, वो सब भी गायब हो गए। ये सब भगवान के सब पार्षद लोग हैं, ये सब चेतन हैं, भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको भगवान ने, अब जाओ तुम लोग। अब ये लोग बार बार हमसे कह रहे हैं कि छोटे बालक। मैं तो वैसे ही बता दिया कि पिछले 2 जन्मों में भी तुम्हारा बालक बन गया था, अभी बालक बन गया था, और आमन के रूप में भी फिर बालक बन करके आया तुम्हारे पास, आ जाता बालक बनकर। बहुत बोला भाई देवकी ने, तो बहुत कह दिया देवकी ने, खुल के कहा, वसुदेव ने खुल के नहीं कहा। वसुदेव ने खाली इतना ही कहा कि तलवार लेके आ रहा होगा, बस इतना ही कहा। देवकी ने तो साफ साफ कह दिया। 8 श्लोक बोले देवकी ने, 4 में ऐश्वर्य का वर्णन करके खुश कर दिया। वो जानते हैं कि स्तुति के द्वारा भगवान को खुश करके उनको वश में किया जा सकता है, तो 4 श्लोकों में उनकी खूब स्तुति करके उनको खुश कर दिया, उनको वश में कर लिया। उसके बाद वश में करने के बाद ऑर्डर दिया, आप बच्चे बनो, ओपन। तो शंख चक्र गदा पद्म अब नहीं थे, और जो मुकुट उकुट पहने थे वो सब कहाँ गया। कहीं ना मुकुट है, ना कंकण है, न कुंडल है, न केयूर है, प्राकृत बालक जैसे जन्म लेता है, बस वैसे हो गए। तो जमीन पर लेटे हैं, हाथ पर चला रहे हैं, बस इतना। इस प्रकार मानव में संपूर्ण रूप में प्राकृत बालक बन गए, आत्म माया अर्थात स्वेच्छा से वे प्राकृत बालक बन गए। आत्म माया का अर्थ स्वरूप शक्ति भी होता है। भगवान की स्वरूप शक्ति क्या कार्य करती है, जिस समय
जिस मूर्ति का प्रकाश करने से प्रेमवान भक्तों का आनंद वर्धन हो, स्वरूप शक्ति का काम यह है, वो ये पहचान जाती है कि भक्त को आनंद कैसे आएगा। तो अब भगवान का रूप कैसा होना चाहिए, जिस समय जिस मूर्ति को प्रकाशित करने, भगवान की सारी मूर्तियां नित्य हैं, वरा नृसिंह वामन कच्छप सब नित्य, विष्णु तो द्विभुज राम सब सब मूर्तियां नित्य, लेकिन कब कौन सी प्रकाशित करनी है ये कौन चूज करता है, भगवान की स्वरूप शक्ति। वो ये देखती है कि किस मूर्ति से इस भक्त को आनंद आएगा, भगवान की ही शक्ति है। तो प्रेमवान भक्तों का आनंद वर्धन करने के लिए उस समय उसी मूर्ति को प्रकाशित करती है, यही भगवान की स्वरूप भूता, उनके स्वरूप में वो निहित है, वो शक्ति स्वरूप शक्ति का कार्य है, स्वरूप भूता स्वरूप शक्ति का कार्य। ऐसे ही हमें भी होना चाहिए, भगवान को किस चीज में आनंद आएगा। इसी में गुरु दक्ष होते हैं सेवा में। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई, रति केली सिद्ध्यई माने वो जो भगवान लीला कर रहे हैं निकुंज में, उसकी सिद्धि के लिए, यानी भगवान का आनंद वर्धन कैसे होगा, वृंदा देवी सारा अरेंजमेंट करती हैं, कौन से रंग के फूल आज खिलेंगे, कौन से पक्षी गाएंगे, कौन से सुर में गाएंगे, सारा कुछ अरेंजमेंट किया जाता है। भगवान का आनंद वर्धन कैसे होगा, इसमें फिर भक्त को दक्ष होना चाहिए, और भगवान की स्वरूप शक्ति इसमें दक्ष है कि भक्त को आनंद कैसे आएगा, देखिए आदान प्रदान। जब हम ऐसा सोचेंगे, गोविंद माने जब हम भगवान की इंद्रियों को आनंद देने की बात सोचेंगे, तो बदले में भगवान हमारी इंद्रियों को आनंद वो मिलेगा ही मिलेगा। ओरिजिनल को सजाओ तो प्रतिबिंब अपने आप सज जाता है, प्रतिबिंब को डायरेक्ट सजाएंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे आईने पे जो दिख रही फोटो तो उससे कुछ नहीं होगा, ओरिजिनल वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ये गलती यही हो रही है, डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इमेज को सजा रहा है, ओरिजिनल को सजाए। इसके अलावा आत्ममाया का एक और अर्थ है, भगवान प्राकृत बालक कैसे हो गए, आत्म माया से हो गए, ये बहुत क्लियर करने की जरूरत है। एक तो आत्म माया और दूसरा प्राकृत शब्द, ये दोनों पिछली बार भी बताए थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आचार्यों ने बहुत टीका की है इसलिए याद रखना चाहिए, नहीं तो प्राकृत बालक में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, भगवान कोई प्राकृत बालक नहीं है। और आत्म माया का गलत अर्थ क्या लिया जा सकता है, बहिरंगा माया, कि बहिरंगा माया के अंतर्गत जैसे सतो रजो तमो के अंतर्गत व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वैसे बालक नहीं है भगवान। इसीलिए आचार्यों ने यहाँ पे सबने, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद, प्रभुपाद, सब ने खूब टीका की है। बड़ी टीका का मतलब हमने बताया था पिछली बार, बड़ी टीका का मतलब है वहां कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, इसलिए इतना ज्यादा लिख रहे हैं प्रभुपाद। तो आत्ममाया का एक अर्थ और है कृपा, अपने भक्तों पर कृपा का विस्तार करते हुए षड ऐश्वर्य पूर्ण देवकी नंदन भगवान ने प्राकृत शिशु रूप धारण कर लिया, भक्तों पर कृपा का विस्तार करने के लिए अब भगवान और ज्यादा कृपा करना चाहते हैं। क्या कृपा करना चाहते हैं, ब्रिज में जाएंगे अब, वहां पे माखन चोरी लीला, अगासुर बकासुर पूतना कालिया ये सब लीलाएं करेंगे, तो अब हमारे जैसे जो नए भक्त हैं उनका अभद्र नाश होगा, सुन सुन के कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो भगवान कितनी जल्दी चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जमुना का जल पूरा विषैला कर दिया था, भगवान ने चरण डाला और पूरा चरणामृत हो गया एक सेकंड में, नहीं तो उसके प्यूरिफिकेशन के लिए अगर साइंटिस्ट लोग जुटते
किसी को विश्वास नहीं होता, कोई पीता नहीं, कहता भैया अभी तो नाग बैठा था खा लिया और तुम बता रहे हो ये पीने लायक हो गया है, पहले तुम पियो। भगवान है ऐसे, एक सेकंड में जमुना का जल शुद्ध, चरण डाला और शुद्ध हो गया। तो ऐसे वो तो समस्याएं हल करते हैं, तो हमको विश्वास होता है कि हाँ ये है सुप्रीम कंट्रोलर, तब हम भक्ति में लगते हैं। ये अभद्र का नाश हुआ तभी भक्ति बढ़ती है। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती, तब भक्तिर्भवती। और तब तक क्या भवती, कथा सुनने से अनर्थ निवृत्ति भवती। जब तक भक्ति नहीं है, अभी जो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं इससे अनर्थ निवृत्ति हो रही है, अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगी तब भक्तिर्भवती, रजोगुण तमोगुण जब जाएगा तब भक्तिर्भवती होगा। तो कृपा, भगवान लीला ना करें, भगवान लीला करके अपने हाथ से असुरों का मर्दन करके न दिखाएं हमको, और इच्छा से, उनकी इच्छा से सब हो सकता है, इच्छा से सृष्टि का पालन हो जाएगा, संहार हो जाएगा, सब असुर मर जाएंगे। तो देखा था असुर खड़ा था, मर गया खड़े खड़े। इच्छा, भगवान ने इच्छा की, उसके हृदय से निकल गए और किसी ने देखा भी नहीं, पड़ा हुआ ढेर। ऐसे सब असुर पता लगा कि सेनाएं सामने खड़ी थी देवताओं के, असुरों के हृदय से भगवान निकल जाए। समुद्र मंथन हो रहा है, अमृत निकालना है, धन्वंतरी पहले ही आ जाते, लेकिन नहीं, देवता असुर सब मिला करके कुछ नहीं मत पा रहे थे, कुछ जहर भी नहीं निकाल पा रहे थे। और भगवान अजित ने कहा कि हटो चलो हम करते हैं, खुद किया निकाला, तो पहले जहर निकला। तो पहले पहले जहर निकलता है, डरना नहीं चाहिए, भक्ति करेंगे तो भी पहले जो है बड़ा विरोध, ये वो सब कुछ सहना पड़ता है। माया बहुत परीक्षाएं ले लेती है कि देखें भक्ति में जाने लायक है कि नहीं। कहीं भी एडमिशन लो, बच्चे का टेस्ट लिया जाता है ना, तो आजकल तो माता पिता तक का टेस्ट हो जाता है, है कि ये झेल पाएगा कि नहीं हमारे स्कूल को। तो ऐसे भगवान भी माया के द्वारा टेस्ट लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये भगवान कृपा का विस्तार कर रहे हैं, ऐसी लीलाएं ना करें तो हम गाएंगे क्या, बस एक लीला रहेगी क्या, इच्छा की मर गया, इच्छा की ये हो गया, इच्छा की ये हो गया, कहीं हमको आ गया भगवान समझ में, इच्छा करता है सब हो जाता है। मधुर मधुर लीलाएं बैठ के, इतने बड़े बड़े चैप्टर बैठ के सुन रहे हैं, गा रहे हैं, जन्म की लीला देखी कितने दिन हो गए, साल भर हो रहा है। तो कृपा, तो आत्म माया के बहुत सारे अर्थ हैं, भगवान की स्वेच्छा, भगवान की स्वरूप शक्ति और कृपा। तो बहिरंगा माया किसकी शक्ति है, धोनी की, मम माया दुरत्या, उसको वो आत्म माया नहीं कह सकते, उसको भी वो कह सकते हैं मेरी शक्ति है ये, मेरी आत्म माया है ये, वो किसी पराये की माया है क्या, वो भी नहीं की है आत्ममाया। परंतु यहां पर वो अर्थ नहीं लिया जाएगा, ऐसा अर्थ लेना अपने आप को ठगने के समान होगा, भगवान को ऑर्डर ही समझ लेना, ये तो असुर करते हैं है ना, भगवान को साधारण समझते हैं, अर्चे विष्णु शिलादि नारकी बुद्धि, और यहाँ तो अर्चे भी नहीं हो, तो भगवान का जो नित्य नराकृति स्वरूप है उसको ही हम कहें कि नहीं ये ऑर्डनरी है, भगवान ने कहा है गीता में, करते हैं लोग ऐसा, मानुषीम तनुमाश्रितम क्या है श्लोक, अवजानंती माम मूढ़ा, अवजानंती माने अवजानंती का क्या अर्थ है, उपहास करते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर, देखो देखो जो शिशुपाल कैसे बोलता था भगवान के लिए। तो अगर हमने बहिरंगा अर्थ लगाया है तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं तो अपने आप को ठग रहे हो, किसी शब्द के अनेक अर्थ होने पर हमें वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए जिससे भगवान की लीलाओं के साथ सामंजस्य हो, हारमोनी हो, तालमेल बैठ जाए, लीला समझ में आने लगे,
तो यहाँ पर आत्म माया के शब्द के अर्थ हैं स्वेच्छा, ज्ञान, कृपा, स्वरूप शक्ति। बहिरंगा माया अर्थ नहीं लेना चाहिए। वराह पुराण में कहा गया है सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। भगवान के जो देह हैं देहास्तस्य परात्मनः सर्वे नित्याः, सब नित्य हैं, शाश्वताश्च और सब शाश्वत हैं, नित्य और शाश्वत। हेयो उपादेय रहिताः, उसमें हे और उपादेय कुछ नहीं है। हमारे में तो बहुत हे तो भरा पड़ा है ना। कहाँ गए थे? मिट्टी में गए थे। मिट्टी क्या है? अब उसको जाके जला देते हैं। जो हे था, जो त्यागने योग्य था, वो तो बहुत बड़ा है। और जो हे है, उपादेय है, जो ग्रहण करने योग्य है, जिसके बारे में हमको जीवन भर सोचना चाहिए था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस जिसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए थी, आत्मा की परमात्मा का संबंध क्या है, वो था हे, वो था उपादेय। क्षमा करिएगा, वो उपादेय था, उपादेय को तो सोचा ही नहीं। और भगवान की देह में हे उपादेय ये सब कुछ नहीं होता, हे कुछ भी नहीं है। हे उपादेय रहिता नैव प्रकृति जाह क्वचित, उसमें प्रकृति से उत्पन्न कुछ भी नहीं है। जब प्रकृति नहीं थी तब भी भगवान थे। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, स्वभाव है, इसीलिए कहा जा सकता है ये बात। तो भगवान के सभी रूप नित्य शाश्वत, देह देही भेद रहित, वे सतो रजो तमो गुणमयी, प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। जब देवकी वसुदेव ने भगवान का चतुर्भुज रूप देखा तो कौन सा भाव जागृत हुआ? उनमें गौरव का भाव जागृत हुआ कि ये गौरव माने ये हमसे बहुत श्रेष्ठ है, हम जीव हैं, ये भगवान हैं। तो गौरव का भाव जब हुआ तो उन्होंने स्तुति और प्रणाम आदि करना शुरू किया भगवान को। और अब भगवान क्या हो गए? प्राकृत शिशु बभूव, अब प्राकृत शिशु हो चुके हैं। तो अब बालक मूर्ति देख करके उनकी स्तुति करने की प्रवृत्ति नहीं रही। हर रूप की भक्तों ने स्तुति की है। वामन आए तो बलि महाराज ने वामन भगवान की स्तुति की, है ना, नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज ने स्तुति की, हर रूप की स्तुतियां हुई हैं। लेकिन यहां जब बालक बन गए तो बालक रूप की किसी ने स्तुति नहीं की, ना तो यशोदा ने की, ना तो देवकी वसुदेव ने की। ऐश्वर्य भाव विहीन रूप है ना ये। अब बालक मूर्ति देखकर उनकी स्तुति करने की प्रवृत्ति नहीं रही, वे उनके ऐश्वर्य को भूल गए कि अभी ये चतुर्भुज था, ये था, वो था, और माधुर्य के सागर में डूब गए। अब केवल जो मेरा बेटा, ये भाव रहा। उनके हृदय से वात्सल्य की जो नदी है उसकी अमृतमय धारा जो है वो फूट निकली। देवकी के स्तरों से दूध का स्राव होने लग गया। उन्होंने परम आनंद के साथ उन्हें अपना पुत्र जान करके छाती से लगा लिया, चिपटा लिया बिल्कुल कृष्ण को, और चिपटाए चिपटाए फिर कंस का भय आ गया। अब कंस आ रहा होगा, अब तो हमने इसको कहा था बालक हो जाओ तो हम तुमको छुपा लेंगे, अब हमारा टर्न है, अब गेंद हमारे पाले में है, अब हम क्या करें? कंस का डर आ गया। कंस के भय से भीत होकर पुनः पुत्र के जीवन रक्षा का उपाय सोचने लगे। एक कमरे में बंद है, इतना बड़ा कमरा है और कुछ नहीं है उस कमरे के अंदर, एक मटकी में जल रखा हुआ है, बस जंजीरों से बंधे हुए हैं, स्थिति देखिए, और भगवान की सेवा का उपाय सोच रहे हैं, कैसे इसकी सेवा करें, कैसे इसकी रक्षा करें। यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्या कंस ने कुछ रुपए दे रखे होंगे कि ये पैसे काम आ जाएंगे? और इतने सालों से जेल के अंदर जो व्यक्ति रहेगा वैसे ही बलहीन हो जाएगा,
और फिर इतना मानसिक कष्ट कि सामने सामने बच्चे मर रहे हों, मन को कितना कष्ट, शरीर को कितना कष्ट, जंजीरों में जकड़े हुए एक के बाद एक बच्चे मर रहे हैं, असहाय अवस्था, बालक की चिंता, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं इसकी कैसे सुरक्षा करें। इसका मतलब किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा की जा सकती है, और नहीं की जा सके कम से कम हम सोच तो सकते हैं कि भगवान की सेवा करें, क्या सेवा करें। वसुदेव जी ने जन्म होते ही क्या सोचा याद है? 10,000 गौएं दान करूंगा। ये मन में विचार, ये मन से सेवा तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं ना, भगवान तो भावग्राही हैं, मन के भावों को भगवान उसी का तो आस्वादन करने आते हैं। तो भगवान यही देखना चाहते हैं, भगवान के मन मना भव, ये है मन मना, भगवान की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। अपने बारे में कोई चिंता नहीं है कि जंजीरों में जकड़े हैं, 8 साल से जेल में है, ये है वो है, बच्चे मार दिए, ये कर दिया, अब कंस आ रहा होगा, हमको मारेगा, ये करेगा, हम छुपा देंगे तो मेरा क्या करेगा। कृष्ण ने यही तो कहा भगवान देव की माता से कि तुम सोच रही हो कि मैं छोटा बालक हो जाऊं, छोटा बालक हो जाऊं, बार बार कह रही हो छोटा बालक हो जाऊंगा, तुम मुझे छुपा दोगी, तब कंस क्या करेगा, तब तो तुमको और सताएगा, कहेगा कहां छुपा दिया, 8वां वही तो मेरा काल था, वो तुमने छुपा दिया, अब तुम बहुत अत्याचार करेगा। बोले करने दो, तुम बस इतनी कृपा करो कि मेरी चिंता छोड़ दो, ये कृपा करो मेरे ऊपर, हमारी चिंता छोड़ो, हमको तुम्हारी चिंता करने दो। ये द्विभुज रूप देगा कुछ नहीं, सब लेगा खाली, चतुर्भुज वाला ठीक है। सोच समझ या मग पग धरियो, यह मग प्रेम नाम कर बाजे, हांसी जान न धोखे परियो। ये प्रेम है, इसको मजाक समझ करके धोखा मत खा जाना है, इसलिए अभी भी विष्णु भगवान को चुन लो जिसको चुन। ये प्रेम का मार्ग है, प्रेम माने जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख की चिंता करना बस, और उसके अलावा अपने बारे में 1% कुछ नहीं। हांसी जान न धोखे पर, तो हमारे पास भी यदि भगवान की सेवा का कोई साधन न रहे तो भी सेवा के बारे में सोचते रहना चाहिए। उपाय तो भगवान स्वयं ही बना देते हैं, अभी वसुदेव सोच रहे थे तो उपाय तो बन गया ना, इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की। देखिए इच्छा थी वसुदेव की, अभी क्या बताया श्लोक में, सुतम समाधाय, बच्चे को उठा लिया, अब सुरक्षा लेकर चलने के लिए जेल से बाहर नहीं, जंजीरें बंधी है वो नहीं देख रहे, बच्चे को उठा करके चलने बाहर जाने के लिए तैयार, हद हो गई, जंजीरें बंधी कैसे जाओगे, नहीं जितनी दूर चल पाए कम से कम उतनी दूर तो चल, सोच रहे हैं, देखिए भाव देखिए कितना है, ऐसी दशा में भी भगवान की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। भगवान की यह प्राकृत शिशु मूर्ति भी स्वाभाविक है, अर्थात उनका ये नित्य स्वरूप है, ये नहीं कि अभी भगवान ने थोड़ी देर के लिए धारण कर लिया, नित्य स्वरूप है ये। श्रीपाद सनातन गोस्वामी का कहना है कि एक साथ अनंत रूपों में अनंत लीलाओं में भगवान विलास करते हैं, ऐसे लीला विलास श्री गोविंद की किसी भी प्रकार की कोई नई मूर्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मूर्ति उनकी नित्य है। तो अगर नई मूर्ति धारण करते हैं इसका मतलब वो नित्य नहीं थी, वो अभी धारण की है, उसकी नित्यता पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका मतलब कि कोई नई मूर्ति सनातन गोस्वामी कह रहे हैं धारण कर ही नहीं सकती, सब नित्य। क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है ना कि योग सिद्ध ऋषिगण, देवता, असुर, राक्षस भी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, भगवान ने धारण कर लिया बालक रूप तो क्या हो गया, उतना भी तो कितनी सुंदर होकर के आ गई थी राक्षसी, है ना, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया था, देवता भी कर लेते हैं, रावण जो है 10 सिर अपने गायब करके और
आ गया साधु बन करके सीता जी के पास भिक्षा मांगने के लिए, है वो 10 सिर गायब कर दिए, 2 भुजाएं गायब कर दी, कौन बड़े बकाम कर दिया ठीक तो है, 20 भुजाएं थी उसकी, उसने तो 18 गायब कर दिए तो क्या अंतर है भाई? तो योग सिद्ध ऋषिगण देवता असुर तथा राक्षस भी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। जैसे रावण ने सन्यासी का, मारीच ने सोने का मृग जो कभी होता भी नहीं है, और उसे धोखा कौन खा रहा है? भगवान भगवान की आलादनी शक्ति वो धोखा खाएगी तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न वो राम कहेंगे मैंने कभी इच्छा ही नहीं की, ये सोने का मृग कहां से घूम रहा है? सोने का मृग के पीछे पीछे राम जा रहे हैं तीर लेकर के ये सब लीला करते हैं, ये सिर्फ हम लोग गाएं उसको और हम जो है नष्ट प्रायश्चित का भद्रेशु हमारा हो जाए, बस ये है उनका काम, बाकी तो सब वो वहीं बैठे बैठे कर लेंगे। उनको तीर लेके पीछे घूमने की जरूरत है, वो हिरण के अंदर से निकल जाए बस काम खत्म, हिरण पड़ा है सीधा ले लो पकड़ के दे देंगे। तो दोनों में क्या अंतर है? ये लोग भी धारण कर लेते हैं रूप, भगवान भी धारण कर लेते हैं। ऋषि मुनियों देवताओं असुरों और राक्षसों का वास्तव में एक ही शरीर है, भगवान का भगवान भी तो एक ही है, भगवान भी दो है नहीं, तो इन सब का एक शरीर है और आवश्यकता होने पर दूसरे दूसरे रूप धारण कर लेते हैं, और वह भी कुछ काल के लिए, जब तीर मार दिया तो हो गए मारी फिर से पूतना स्तन पकड़ लिया बस पी गए और पी प्राण भी पी गए, ये बड़ी हो गई 13 किलोमीटर 12 मील 18 किलोमीटर ये है। तो इनके सारे रूप एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन भगवान के अनंत रूप सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, सब नित्य हैं, ये डिफरेंस है। एको अपि सन यो बहुधा विभाति, एक होते हुए भी जो विभिन्न रूपों में नित्य रहता है वो है भगवान, यहां एक रूप नहीं रख पाता है, कहां गया रावण रूप बना रहा था साधु का तो एको अपि सन बहुधा विभाति, ये श्रुति का वचन है, वेद का वचन है, इस वेद वचन से प्रमाणित होता है कि परब्रह्म श्री भगवान एक होकर भी अनंत मूर्तियों में प्रकाशमान है, इसलिए श्री गोविंद को किसी प्रकार कोई नई मूर्ति धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, वे सभी मूर्तियों के रूप में नित्य विराजमान हैं। अब ये कौन डिसाइड करता है कौन सी मूर्ति इस समय प्रकाशित करनी है? भगवान की स्वरूप शक्ति। भगवान एक मूर्ति में प्रकाशित होकर यदि दूसरे को प्रकाशित करने की इच्छा करते हैं, जैसे यहां पे की है वसुदेव देवकी के सामने, तब एक मूर्ति को छिपा देते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्ता, योग माया से ढंग कवर कर देंगे एक मूर्ति, चतुर्भुज रूप को अब कवर कर दिया है, लेकिन योग माया समाप्ता ठीक है, और अब शिशु रूप जो था उसका आवरण हटा दिया, ये देखो शिशु यहाँ बैठा है इतना सिंपल है भगवान के, हाँ परास शक्तिर विविध है विश्रुयते, भगवान के अनेक शक्तियां हैं और स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक तरीके से सब कार्य करती रहती हैं, स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक बल स्वाभाविक क्रिया बताया था पिछली बार। तो बस उनको क्या करना होता है? इच्छा। जैसे ही वो दूसरा रूप प्रकाशित करने की इच्छा करते हैं तब एक मूर्ति को छिपाकर दूसरी नित्य सिद्ध मूर्ति को प्रकाशित कर देते हैं, केवल प्रकाशित करने और छिपाने की लीला होती है, एक रूप दूसरे रूप में बदल नहीं जाता है, बदलना क्या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता, अब वो अलग गया, अब चतुर्भुज किसी को नहीं दिखेगा, नहीं अर्जुन को फिर दिखाया, वामन भगवान ने बलि महाराज की यज्ञ स्थली में जिस त्रिभुवन व्यापी त्रिविक्रम मूर्ति को प्रकाशित किया
तो ये क्या अभी बलि को ठगने के लिए अब क्या ये नया रूप धारण किया है? नहीं, वो भी रूप नित्य है। त्रिभुवन व्यापी जो त्रिविक्रम रूप है वो भी कोई नया रूप नहीं, वो भी नित्य रूप है भगवान का। उसको प्रकाशित कर दिया, अपना वामन रूप छिपा लिया। और न तो वो कोई मायिक रूप है, वो तीन गुणों से बना हुआ रूप भी नहीं था, इंद्रजाल नहीं है ये कोई। हाँ, अतएव उनकी चतुर्भुज द्विभुज आदि अनंत नित्य सिद्ध मूर्तियां हैं जो एक साथ सब एग्जिस्ट करती हैं, जबकि भगवान एक हैं। एक होते हुए भी अनंत मूर्तियों में नित्य विराजमान। जब भगवान ने ब्रिज में जाने की इच्छा की तब उन्होंने देवकी की प्रार्थना अनुसार चतुर्भुज रूप को छिपाकर ब्रिजवासियों के विशुद्ध प्रेम के अनुरूप अपने स्वाभाविक द्विभुज मूर्ति को स्वेच्छा से प्रकाशित कर दिया। ब्रिजवासियों के विशुद्ध प्रेम के अनुरूप, अकॉर्डिंग। तो ये जो भगवान का नराकृति स्वरूप है वो बहुत दुर्गेय है, इसको जान पाना बहुत कठिन है, देव दुर्लभ है, देवता भी है। क्या है गीता में एक श्लोक है ना, नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। नमे विदुसुर गणाम महर्षि नाम च सर्वश। कोई नहीं जानता है, इतना भगवान का दुर्गेय रूप है। सुरगणा वो भी चक्कर में आ जाते हैं, वो गर्भ में आए तो ब्रह्मा जी स्तुति करने आ गए, सब देवताओं को लेकर के शिव आदि सब आ गए स्तुति करने के लिए। लेकिन बाहर जैसे ही आए, चतुर्भुज आए तब भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी देवता को। जहां उन्होंने बाल रूप धारण करके वो लीला चालू की, बस दुर्गेय हो गए। वो जानने वालों के लिए दुर्गेय हो गए, और फिर बड़ा कठिन है। चतुर्भुज में कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों है दुर्गेय? इसलिए दुर्गेय है क्योंकि इसमें भगवान अपने अनंत ऐश्वर्य को प्रदर्शित नहीं करते। है ऐश्वर्य भगवान की, प्रत्येक रूप में सारा ऐश्वर्य है, उसको दिखाते नहीं, छुपाए रहते हैं, गुप्त रखते हैं। और केवल प्रेमाधीन होकर के लीला विलास करते रहते हैं, प्रेमावश्य होकर के, प्रेम के अधीन है बस, और ऐश्वर्य सब छिपा रखा है। तो अब ऐश्वर्य सामने रहे तब तो भगवान समझ लिया जाए जल्दी से, ऐश्वर्य नहीं रहने पर बहुत कठिन हो जाता है। जिनका हृदय, भगवान बड़ी कृपा करके भगवत गीता में अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, तो भगवत गीता से हम ये तो समझ सकते हैं कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान ने विभूति योग और विश्वरूप और कई चैप्टर्स में भगवान ने जो है अपने स्वरूप को प्रकाशित किया है, अपनी महिमा को प्रकाशित किया है, विभूतियां है ना। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दें माम एकम शरणम व्रज। तो कौन समझ पाता है उनके इस द्विभुज नराकृति स्वरूप को जब इतना दुर्गेय है? तो जिनका हृदय शुद्ध प्रेम रस से परिपूर्ण है, शुद्ध प्रेम माने ऐश्वर्य भावहीन, उस प्रेम रस से जो भरा हुआ है जिसका हृदय, वो ही इस नराकृति स्वरूप को समझ पाएगा, वो ही इस नराकृति स्वरूप को ग्रहण कर पाएगा और वो ही इसका आस्वादन कर पाएगा।
देखा तो दुर्योधन ने भी, ना तो उसको ग्रहण कर पाया, ना तो उसका कोई आनंद ले पाया, है ना। देखने वाले तो बहुत होते हैं, देखने से क्या हुआ, शुद्ध प्रेम रस से हृदय भी तो भरा हो। विदुर का विदुरानी का भरा हुआ था, भगवान खुद चल के जाते हैं उनके, दुर्योधन बुलाता रहता नहीं जाते। बहुत अच्छा, अच्छी सेवा करता है दुर्योधन, 56 भोग बनाता है भगवान के लिए, रिजेक्ट। और उनके यहां साग खाने जा रहे हैं, उनके अकेले छिलका भी खाएंगे, ये है। तो एक क्या है, एक व्यक्ति आपका जानने वाला हो, वो दूसरे के यहाँ केले छिलका भी खा ले और आप उसको कहोगे आओ तुम काजू पिस्ता बादाम खिला रहे हैं तुमको बढ़िया से बढ़िया डिशेस बना, तब भी वो रिजेक्ट कर दे तो कैसा लगेगा। चलो इसको बहुत बुरा लगेगा कि हमारा सब रिजेक्ट कर दिया तो ये जथा माम प्रपद्यन्ते, तो हमसे चालाकी दिखा रहे हो, है ना, कि पांडवों के हम खिलाफ हो जाएं और तुम एक सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दोगे, मन में तुम ये रखे हो साधुओं को भक्तों को कुछ नहीं दोगे, मेरे भक्तों को कुछ देने को तैयार नहीं, और हमको बुला रहे हो कि ये खा लो वो पी लो और उस भक्त के प्रति कितना प्रेम दिखाया भगवान ने, जिसके यहाँ छिलका भी खा गए, ये है। शुद्ध प्रेम से जिनका हृदय पूरित है वही भगवान को ग्रहण कर पाता है और वही भगवान का लीला का आस्वादन कर पाता है। और जिनका हृदय ऐसा नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं भरा है, तो कुछ तो भरा होगा, तो क्या भरा होगा उनका हृदय कामना वासना परायण होगा, कामनाएं होंगी, अन्याभिलाषा होगी उसके अंदर भरी होगी। प्रेम नहीं है तो अन्य अभिलाषा है, प्रेम के अलावा जो कुछ है उस सब को अन्य कहा जाता है। तो जिनका हृदय कामना वासना परायण है, अन्य अभिलाषाओं से पूर्ण है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामनाओं से लालसाओं से भरा हुआ है, वे भगवान के इस नराकृति स्वरूप के माधुर्य का आस्वादन करने में अक्षम है, इनकैपेबल, क्षमता ही नहीं है उनकी। ऐसे लोग भगवान के ऐश्वर्यमय स्वरूप की आराधना करके सिद्धि पाने की अभिलाषा रखते हैं, ऐश्वर्यमय स्वरूप को पूजते हैं वो लोग, ये चतुर्भुज रूप को, वराह है, नरसिंह है, वामन है, जिनके पास और अभिलाषाएं हैं वो लोग इन रूपों की पूजा करते हैं। अगर सुकृतिवान है तो ठीक है, बद्ध जीव है और सुकृतिवान है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तर शुभ, ये सब लोग जो हैं वो भजन्ते माम का तात्पर्य वहां पे यही होगा कि चतुर्भुज रूप या और जो भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप हैं, महा ऐश्वर्यशाली रूप, इसमें बड़ी बड़ी पावरफुल लीलाएं भगवान ने की हैं, रोम चित्रों से ब्रह्मांड निकल रहा है, उन रूपों की पूजा करें। और बाकी जो बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं, जो सुकृतिवान भी नहीं है, वो तो भगवान ने बताया है, काम है स्थिर स्थिर रहते क्या ना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं के पास जाते। तो सिद्धि पाने की अभिलाषा से भगवान के ऐश्वर्यमय स्वरूपों की आराधना करने लगते हैं, जिनका हृदय कामना और लालसाओं से भरा है, प्रेम से पूरित नहीं है। तो भगवान का और उनके पार्षदों का ये जो जन्म है और जीव का जो जन्म है, भगवान ने भी जन्म लिया है तो कैसे लिया, आत्मा मायाया, स्वेच्छा से। और उनके भक्तों का जन्म कैसे होता है, वो भी भगवान की इच्छा से, या भक्त की इच्छा से कह लो, अंशी को भेजा था स्वयं आना चाहते हैं, कृष्ण आ रहे हैं तो हम ही चलते हैं,
तो भगवान के और भक्तों की जो भगवान के पार्षद हैं उनकी तो इच्छा एक ही हो जाती है ना। भगवान का जो मन है साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मद अन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो बना कपि, है ना। साधु मेरे हृदय को जानता है, मैं साधु के हृदय को जानता हूँ, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की इच्छा से इच्छा मिली हुई है। तो भगवान की इच्छा कहो चाहे भक्त की इच्छा कहो एक ही बात है, दोनों एक है। तो भगवान और उनके पार्षद कैसे आते हैं? भगवत इच्छा से आते हैं। और जीव, हम जैसे साधारण जीव कैसे आते हैं? कर्मानुसार। उनको जन्म लेने के लिए बहिरंगा शक्ति के द्वारा बाध्य किया जाता है, तुमको यही जन्म लेना पड़ेगा, यही माता पिता के यहाँ आना पड़ेगा, आना पड़ता है। तो देवकी की 8 संतानें हुई, जिनमें से पहले वाले 6 का जन्म कैसे हुआ? कर्मानुसार या भगवान की इच्छा अनुसार? तो भगवान की इच्छा अल्टीमेटली तो है ही है। प्रत्येक कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं, दैव चैवात्र पंचमम, उसमें 5वां तो दैव रहता ही रहता है, है ना। तो लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कर्मानुसार, इसका मतलब जीव की इच्छा अनुसार। कर्म वास्तव में तो मन ही करता है ना, मन में जो सोचता है वही कर्म बाद में सूक्ष्म रूप में कार्य तो वो मन ही में होता है। तो ये जो 8 संतानें थी उसमें से 6 का जन्म कैसे हुआ? कर्मानुसार हुआ। और बलराम का जन्म भगवान की इच्छा अनुसार हुआ। और कृष्ण का जन्म आत्मा माया, ठीक है, उनकी इच्छा अनुसार हुआ। और देवकी और वसुदेव भगवान के नित्य माता पिता हैं, हमेशा उनसे जन्म होता है, उदाहरण दिया गया था कि वशिष्ठ जी से किसने सुना था, राजा दिलीप सूर्यवंश में हुए राम से बहुत पहले, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कृष्ण की बहुत लीलाएं सुनी और उसमें भी देवकी और वसुदेव जो हैं वो माता पिता थे, जबकि अभी द्वापर आया भी नहीं था, कृष्ण का भी ये जन्म हुआ भी नहीं था, दूसरे कल्पों की कथाएं सुना रहे थे, वहां भी देवकी और वसुदेव ही थे माता पिता, तो नित्य माता पिता है। माता पिता स्थान गृह शय्या आसन आर ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार चेतन चरतामृत। माता पिता ये सब शुद्ध सत्व के विकार हैं, ठीक है, ये सब शुद्ध सत्व के अंतर्गत ही हैं सब। क्या क्या? माता पिता स्थान, भगवान का स्थान जहाँ भगवान लीला करते हैं, गृह उनका घर, शय्या आसन, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार है। तो देवकी भगवान की जननी है और नित्य जननी है, तो वो शुद्ध सत्व में है, है ना, शुद्ध सत्व स्वरूपा है, वात्सल्यमयी है। अतएव वो जो शुद्ध भी नहीं विशुद्ध सत्व स्वरूपा, तो वो प्राकृत नहीं है, तब उनके 6 पुत्र प्राकृत कैसे हो गए? क्वेश्चन रेज होता है, जो खुद प्राकृत नहीं है उनके 6 बच्चे प्राकृत कैसे आ गए? कृष्ण तो चलो प्राकृत कहा गया, प्राकृत जैसे, वहां पर अनुवाद में ही प्रभुपाद ने लिख दिया कि सामान्य बालक जैसे हो गए, सामान्य बालक नहीं हो गए, जैसे हो गए, लेकिन ये 6 कैसे आ गए? तो ये बड़ा सरल है, ऐसे तो कुछ भी प्राकृत होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सब भगवान से आया है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, सब कुछ मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो सब मुझसे आया है, भगवान ट्रांसेंडेंटल, तो हर चीज ट्रांसेंडेंटल होनी चाहिए थी। हमारा ये मन कैसे मटेरियल हो गया, ये बॉडी कैसे मटेरियल हो गई, है ना। तो जैसे सच्चिदानंदमय भगवान के विराट देह में ये सारा मटेरियल श्वास खींचते हैं प्रलय के समय, सब अंदर समा जाता है, तो वैसे ही देवकी के गर्भ में भी ये प्राकृत बालक रह सकते हैं। भगवान से उदाहरण दिया गया कि जैसे भगवान में रह सकते, क्योंकि वो उसी लेवल के लोग हैं, भगवान के भी माता पिता हैं।
ये जो छह जीव थे, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के छह पुत्र, जिन्होंने ब्रह्मा के चरण कमलों में अपराध किया था, वो रह गए उनके गर्भ में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि देवकी के गर्भ से संबंध के कारण, देवकी शुद्ध सत्य स्वरूपा, उनके गर्भ के साथ उनका संबंध हुआ, जिस गर्भ से भगवान आए, भगवान के बड़े भाई, बड़े भाई हैं लोग, बड़े भाई सब मार दिए गए, भगवान के होते, भगवान आने वाले हैं जिस गर्भ से, उसके बड़े भाई मारे जा रहे हैं, हम भगवान के दास बनेंगे तो हमारी कौन सी सिक्योरिटी जब बड़े भाई मर गए। आदमी ये कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा हटाओ, हमें नहीं कुछ करना, भक्ति अक्ति। तो देवकी के गर्भ से संबंध के कारण छह प्राकृत जीव भी भगवान के अग्रज हुए, तो फिर कंस के हाथों उनका निधन कैसे हो पाया? पहले स्टोरी बताई जा चुकी है, फिर भी ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। अभी ये छहों पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि ऋषि के पुत्र थे एवं ब्रह्मलोक में निवास करते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि मानस पुत्र, उनके बेटे हैं तो ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मा ने जब तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृजन किया, सृजन कार्य चल रहा था, तो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का जब सृजन किया तो उसका रूप दर्शन करके काम से मोहित होकर उसका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। माया देखी कितनी प्रबल, बेटी थी उनकी, तिलोत्तमा खुद ही उत्पन्न किया है, प्रारंभ में तो सब सृष्टि सब ब्रह्मा से ही हुई, मोहित हो गए, आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। ये देखकर मरीचि के छह पुत्रों ने ब्रह्मा का परिहास किया। ये देखो, स्वयंभू भगवान जिनके गुरु हैं, कुछ बोल दिया, परिहास कर दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया, तुम लोग असुर योनि में जन्म ग्रहण करो। परिहास किया ब्रह्मा का, असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिल गया। भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी को तुरंत पछतावा हुआ और उन्होंने उस देह को त्याग दिया, फिर दूसरी देह धारण करके आगे का कार्य किया सृष्टि का। तो अब इससे ज्यादा कोई क्या करे, देह त्याग दिया उन्होंने। तो वही कहते हैं, तेजी सामना दोष आए, तेजवान को दोष नहीं लगता, उसे उनको सब नॉलेज है, भगवान के पुत्र हैं, भगवान से ज्ञान मिला है उनको, वो अगर कोई गलती कर भी रहे हैं तो इमीडिएटली क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा, वो तो क्लियर हो गया दे त्याग कर दूसरी दे लेकर के और कार्य चालू हो गया। और ये हंस करके फंस गए, जो हंसे तो फंसे, फंस गए। तो असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिल गया ब्रह्मा जी से। अब ये चरणों में गिर गए ब्रह्मा जी के, बचाओ इस श्राप से, असुर योनि में कहाँ, ब्रह्मलोक में, पृथ्वी मतलब 14 लोकों में सबसे ऊंचे लोक में रह रहे, इससे बढ़ के ऊपर कोई लोक ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड में। उसके बाद है तो फिर वो श्वेत द्वीप है जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु रह रहे हैं, या तो फिर इधर देखो ध्रुव लोक है, और फिर उसके बाद तो फिर पार जाओ ब्रह्मांड के, और तो कुछ है नहीं। वहां से कहां गिरे, असुर बन गए। उसको सिद्ध लोक कहते हैं, ब्रह्मा जी का जो लोक है वो सारे सिद्ध पुरुष, सारी सिद्धियां उनके पास रहती हैं जन्म से। वहां जो जन्म लेता है वो जन्म से अष्ट सिद्धियां उसके पास रहती है। अब ये पैरों में गिर गए, समझ गए थे क्या हालत होगी हमारी। ब्रह्मा के मन में दया आ गई, देखिए अभी हंसे थे, नहीं नहीं अब तो तुम जाओ नरक में जाओ ये नहीं कि उस गुस्से को कंटिन्यू रखते, नहीं, ये होता है डिवोटी गुस्से, भक्त का गुस्सा कितना पानी पे लकीर,
पानी पे लकीर कितनी देर टिकती है? एक होते हैं जिनका गुस्सा बालू पे लकीर की तरह होता है, थोड़ी हवा चली बालू फिरे, फिर लकीर गायब हो गई। तीसरे होते हैं पत्थर पे लकीर, वो बड़े भयंकर होते हैं। हाँ, उनका मिटता ही नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है, उनकी लकीरें नहीं मिटती। तो भक्त माने पानी पे लकीर। और गुस्सा जाता कैसे है, भक्त का गुस्सा कैसे चला जाता है? बस भगवान प्रणत देहि नाम पापकर्षणम्, जिसने प्रणाम किया बस खत्म। मामेकम शरण मुझे हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, साफ साफ कह दिया भगवान ने, सब पाप तुम्हारे खत्म कर दूंगा, आओ बस प्रणाम। ऐसे ही भक्त हैं, भगवान में जो गुण है वैसे ही भक्त गुण उनके अंदर भी है। 50 गुण तो कॉमन है, उसमें एक ये भी है दया। तो ब्रह्मा जी तुरंत तैयार हो उठे, उन्होंने कहा, उनकी डेट फिक्स कर दी कि कब तुम्हारा उद्धार होगा। कहे वैवस्वत मनवंतर में 28वें चतुर्युगी या द्वापर में, वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है उसका 28वां चतुर्युग, और उसमें जो द्वापर आएगा उसमें श्री भगवान के अवतीर्ण होने पर उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करने से तुम लोग शाप मुक्त हो जाओगे, उनका जब प्रसाद पाओगे कृष्ण का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण का प्रसाद पा करके तुम लोग मुक्त हो जाओगे। देखिए प्रसाद कितनी बड़ी चीज है, ब्रह्मा पे जो हंसा, ब्रह्मा के चरण कमलों में जिसने अपराध किया और कृष्ण प्रसाद पा करके वो मुक्त हो जाएगा। और हम लोग को कृष्ण क्या कर रहे हैं, सो प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ, रोज सुबह शाम दोपहर जब चाहिए प्रसाद भरा हुआ है। जगन्नाथ जी का प्रसाद चाहिए तो वो कृपा, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि का प्रसाद चाहिए तो वो रखा, भुवनेश्वर का प्रसाद चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, सब भगवान की कितनी कृपा, महाप्रसाद महा महाप्रसाद सब कुछ अवेलेबल करा के रखा है। तो कौन सा शाप बचेगा उस प्रसाद को पाने के बाद से? कुछ नहीं बचेगा, सही अन्नामृत पाओ और राधा कृष्ण गुण गाओ, अप्रेम ढाको चैतन्यताई, जय निमाई जय निताई, मौज करो। इनको विचारों को देखिए कि कितने, अब 28वां चतुर्युग आएगा, अभी पता नहीं कौन से उस समय मनु चल रहे हो, मनु बदलेगा तब जाके तुमको कृष्ण का प्रसाद मिलेगा, अभी तो राक्षस बन के पहले रहो, इतने दिन तक प्रसाद से वंचित हो गए। वहां ब्रह्म लोक में रोज प्रसाद पाते होंगे और यहाँ प्रसाद से वंचित हो गए। असुर योनि में कहा समझ गए थे, उसी समय इनके चेतना आ गई कि अरे गड़बड़ बहुत हो गई, अब प्रसाद प्रसाद भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, ये वो डिवोटीज का एसोसिएशन, वहां से सारे राक्षस होंगे सब सींग और दांत वाले, तो भयंकर भगवान की भक्ति कर रहा है, ये भगवान की भक्ति कर रहा है, ये देखो सब मजाक उड़ाएंगे, ये देखो माला उठा लिया, मन का फेर हो तो सब सुनाने लगेंगे। तो कबीरदास जी के दोहे, कांकर पातर जोर के यू कर लिया वो कर लिया, पान पूजे हरी मिले, सब सुनाने लगेंगे। असुरों के यही सब काम है। तो वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, उसमें द्वापर में श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने पर उनका उच्छिष्ट ग्रहण करके तुम लोग शाप मुक्त हो जाओगे। हम लोगों को श्री भगवान कृपा करके अपना उच्छिष्ट रोज दे रहे हैं, वास्तव में भगवान बड़े दया में, कृष्ण बड़े दया में, कोरी बारे जिह्वा जाए स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई। तब मरीचि के 6 पुत्रों ने कौन से असुर के यहाँ जन्म लिया, कालनेमी के पुत्र बने। कालनेमी हिरण्याक्ष का बेटा था, हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, उसका बेटा कालनेमी, उनके 6 पुत्र बन गए। अब जैसे
संस्कार जो होते हैं वो अपना प्रभाव जल्दी छोड़ते नहीं हैं। पिछले जन्म के संस्कार जो हैं उसके अनुसार जीव अभी कर्म करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत्य करणम सदा तत्भाव भावित, वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। पिछला संस्कार वो चलता चला आता है अगले जन्म में भी, है ना। तो अब इन लोगों का संस्कार क्या था, ये तो ब्रह्मलोक में रहते थे, ब्रह्मा जी जैसे डिवोटी के एसोसिएशन में रहते थे, तो भगवत उपासना इनका संस्कार था और एकदम से असुर बन गए थे, तो भगवत उपासना छूटी नहीं। देखिए कृपा, देखिए भगवान की क्या कहा है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुरंत तुलसी वैष्णव से क्षमा भी मांग लिया और उसने क्षमा कर भी दिया, खत्म हो गई बात वहीं पे। लेकिन वो संस्कार थोड़ी छूटेगा जो भक्ति का था, असुर बन के भी भक्ति करने लग गए। तो काल नेमी बहुत बिगड़ गया उनके ऊपर, भगवत उपासना नहीं छोड़ रहे थे, उसके कहने पे भी नहीं छोड़ रहे थे, और उसने फिर शाप दे दिया, ये ब्रह्मा का शाप ऊपर से फिर कालनेमी का शाप ऊपर दूसरा शाप झेलो। ये कर्मों की एक श्रृंखला चल पड़ती है। हम सोचते हैं एक कर्म चलो बहुत ही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, उसमें फिर एक सीरीज निकल पड़ेगी, फिर उसका हम क्या करेंगे, उसके फल भोगते भोगते फिर नए कर्म हो जाएंगे, वो बहुत खतरनाक है। तो कालनेमी ने क्या शाप दे दिया कि तुमने पितृकुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम लोग कभी विष्णु की भक्ति नहीं करते, हमारे इष्ट देव तो ये हैं, वो हैं, वो देवी हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, उसका हम करते हैं, और तुम कौन नए आ गए यहाँ। पितृकुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है और पिता के शत्रु की उपासना कर रहे हो। ये शत्रु है हमारा विष्णु, आता है वो पिता द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी, मैं ही मारूंगा तुम लोग को कम मारूंगा, अभी मारने का मैंने सुधरने के लिए थोड़ा चांस दिया कि अभी नहीं मार दिया एकदम से कि पूजा नहीं छोड़ने लाओ मार दें, पहले समझाना बुझाना डांटना फटकारना ये सब होता है ना, बाद में बड़ा एक्शन लिया जाता है। तो तुमने पितृकुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है, पिता के शत्रु की उपासना कर रहे हो, अतः पिता द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब हुआ क्या ऐसे में, इस समुद्र मंथन वाली लीला होगी। अब उस मंथन में जो है अमृत जब निकला तो खूब लड़ाई हुई, मोहिनी भगवान ने अमृत देवताओं को बांट दिया, तो जब देवता सब अमृत पी गए, जब मोहिनी ने दिखा दिया पलट के देखो खाली हो गया, अब लड़ाई चालू हुई। फिर वहीं क्षीर सागर के तट पे जहां देवता स्तुति करने जाते हैं वहां पे देवासुर संग्राम चालू हुआ। अब उस कहां स्तुति करने जा रहे हैं, वहीं देवता लड़ने भी लग गए और लड़ाई इन्होंने शुरू की, असुरों ने क्या करें, ये तो हम तो स्तुति करने आते हैं, ये लड़ना तो हम क्या करें। और उसमें कालनेमी जो है था, उसको भगवान ने अपने सुदर्शन, भगवान ने इंटरफियर किया उसमें, देवताओं ने मदद मांगी भगवान से, भगवान आ गए, भगवान ने सुदर्शन चक्र से कालनेमी को मार दिया। अब कालनेमी तो मर गया, उसने तो शाप दिया था कि तुम अपने बाप से मारे जाओगे बाप ही मर गया पहले, उसको क्या पता कि हम मरेंगे पहले, वो तो सब कृष्ण की इच्छा से होता है, अभी तो भजन माता जी ने सुनाया था, है ना, तव इच्छा मत जीवेर जन्म मरण, है ना, समृद्धि निपात सुख दुख संगठन, तो वो भगवान की इच्छा से होता है, उनकी इच्छा चल गई खत्म। अब शाप वहीं का वहीं धरा है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें बलि महाराज थे समुद्र मंथन में, उस समय असुरों के राजा वही थे, तो वो जब समूह यज्ञ कर रहे थे वामन भगवान आ गए, और वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया। भगवान ने कहा कि तुमने तो अपना वचन ही पूरा नहीं किया, ये है वो है, पैर से उनको सुतल लोक भेज दिया, तो वो सुतल लोक चले गए, और यही आदेश हुआ कि अब सारे अपनी फैमिली को सब सुतल लोक में ले जाओ, यहाँ पे नहीं रहेंगे लोग, यहाँ आते हो क्षीर सागर पे हम लोग स्तुति करने आते हैं, लड़ाई करने आते हो, सुतल लोक में जाओ सबको सुतल लोक में भेज दिया।
अब ये जो 6 पुत्र थे ये भी सुतरलोक पहुंच गए बलि महाराज के साथ साथ। अब कालनेमी और ब्रह्मा दोनों का साप लगा हुआ है, दोनों में फंसा हुआ है गेम। तो ब्रह्मा वाला तो बाद में उतरेगा, पहले तो कालनेमी। तो बाद वाली समस्या जो छोटी होती है वो पहले उतरनी चाहिए ना। इसलिए श्री भगवान ने अब इस साप से कैसे मुक्ति हो, तो अब भगवान की इच्छा से ही सब काम होता है। तब इच्छा मते, इसलिए श्री भगवान ने मरीचि के इन 6 पुत्रों को कालनेमी के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए, देखिए भगवान की दया कि ब्रह्मा ने क्षमा कर दिया, बात खत्म हो गई, अब इनको मुक्ति दिलानी है। अब कौन कहां जन्म लेगा, तब इच्छा मते जीवे रे जन्म मरण, अब जन्म होगा कहां होगा, तब इच्छा। तो भगवान ने मरीचि के इन 6 पुत्रों को कालनेमी के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए योग माया के द्वारा एक एक करके सुतल लोक से लाकर देवकी के गर्भ में स्थापन किया। और कालनेमी मर गया तो हमको मुक्त थोड़ी हो गया। देखिए असुर जब कृष्ण के हाथ से मारे जाते हैं तब वो धाम चले जाते हैं, लेकिन ये कृष्ण ने विष्णु के हाथ से मरा था। ये फिर आ गया, अब की बार कंस के रूप में आ गया, तो वही पिता है और देवकी के गर्भ से उसके बच्चे आ रहे हैं एक एक करके। और शाप क्या था, पिता बच्चों को मारेगा, तो अब ये 6 देवकी के गर्भ से भगवान एक एक करके देवकी गर्भ में डालते चले गए और ये मरते चले गए कंस के हाथ से। तो पिता के शाप से अब मुक्ति हो गई, तो ये शाप से मुक्ति दिला रहे थे कृष्ण। अब कोई कहे कृष्ण ने बचाया क्यों नहीं, ये प्रश्न था ना मूल प्रश्न, जहां से हम लोग ने लीला चालू की। कृष्ण ने बचाया उनको, उनको शाप से मुक्त कराया, ये है कृष्ण। और एक बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि कालनेमी ने भी अगर कुछ बोल दिया, राक्षस था वो, तो चलो ऋषि मुनि शाप दे देते हैं ठीक है, उनका वचन सत्य हो जाता है। लेकिन ऐसा राक्षस भी कुछ कह दे तो वो भी सच हो जाता है, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में सिखाया है क्या बोलना है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा मत बोलो किसी को उद्वेग हो, और सत्य होना चाहिए जो बोलते हो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम, हित करने वाला हो। और स्वाध्याय व्यसनम चाहिए, ये जो स्वाध्याय किया वो बोल रहे हैं ठीक है, ये सत्य है। सत्संग करने आते हैं ना, ये सत्य का संग कर, सत्संग इसी को कहते हैं। तो भगवान कैसे कैसे किस किस की रक्षा करते हैं, हमको लग रहा है कि उनके बड़े भाई मारे गए, भगवान ने कुछ किया नहीं, ये भगवान ने ही सब कुछ किया, उनको शाप से मुक्ति दिलाई, उनको वापस ब्रह्मलोक पहुंचाना है उनको, और फिर उसके बाद अपना प्रसाद भी तो देंगे। पहले कालनेमी के शाप से मुक्त करा के ले भैया प्रसाद, जाओ हो गया, इतना ही करना था भगवान को। तो मरीचि के 6 पुत्रों को कालनेमी के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए योग माया के द्वारा एक एक करके सुतल लोक से लाकर देवकी के गर्भ में स्थापन किया। उस समय कालनेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया, भगवान ने कंस के हाथों से उनका वध करवा कर कालनेमी के शाप से उन्हें मुक्त करवा कर वापस सुतल लोक भेज दिया। ठीक है, सुतल लोक से लाए थे, देवकी गर्भ में लाए, कंस ने मारा, वापस सुतल लोक, चलो एक शाप से मुक्त, जहां थे वहीं हैं, शाप से मुक्त हो गए। अब भगवान ही जानते हैं कि कालनेमी ने किस रूप में जन्म लिया है, और किसी को क्या पता कहां जन्म दिला दें, कैसे शाप से मुक्त हो सकते हैं, ये देवकी के बच्चों को मारेगा, और नहीं मार रहा तो नारद जी गए कहने। पहला वाला उसने लौटा दिया था, नारद जी ने कहा गिनती कहां से चालू होगी तुमको पता नहीं है, और वो 8वां पहले आ जाए फिर 7वां 6ठा ऐसे हो जाए। कमल के फूल लेके गए उनके पास, लगे देखो 8 पंखुड़ी वाला है, बताओ पहली कौन सी है। तो कंस कंस चक्कर में आ गया, कहने पहली तो पता ही नहीं है कौन सी है, अब यहाँ से गिनो तो ये 8वीं है, यहाँ से गिनो तो वो 8वीं है, तो हर 8वीं हो जा रही है हर पे। तो अब उसके सामने आया नारद जी नारायण नारायण करते चले गए।
वो कृष्ण ने इतना बड़ा प्लान कर रखा है इनको शाप से मुक्ति दिलानी है, और ये जो है छोड़ दे रहा है इसको तो याद नहीं है, है ना। बहुनी में व्यतीत आनी जन्मानी तब जान तानी हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंत, वो तो भूल गया है कि ये मेरे बेटे हैं, इनको मारना है हमको तो भगवान ने उनको सुतर लोग वापस भेज दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ब्रज लीला, मथुरा लीला, इन सब को समापन करके द्वारिका लीला में विलास कर रहे थे। इतना गैप और आया प्रसाद मिलने में। तब अपनी जननी देवकी की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण अपने छहों अग्रजों को सुतल लोक से द्वारिका में ले आए। माँ ने कहा देखो संदीपनी मुनि के बेटा तुम ले आए थे, हमारे बेटे भी ला दो, छह मर गए थे, ठीक है ला देते हैं। कहाँ है सुतल लोक पता है सब एड्रेस भगवान मत मुझसे सबको ज्ञान आता है, और कंस को क्या पता कि इसको मारना है, वो आकाशवाणी देवताओं की, नहीं तो मारेगा नहीं, इसको पता नहीं रहेगा कि भगवान आने वाले हैं हमको मारेंगे, और पिछले जन्म का डर याद दिलाया कि तो पिछले जन्म तुमको मारा था इसी ने कि फिर मारेगा, ये जन्म जन्म तुमको मारता है तुम्हारा, तुम्हारी सुपाड़ी परमानेंट ले रखी तो भगवान थे द्वारिका लीला में और श्री कृष्ण फिर ले आए सुतल लोक से, उनको एड्रेस मालूम था, वहां से श्री कृष्ण का, अब ये जो छह थे इन्होंने स्तनपान भी नहीं किया था, पैदा होते से ही कंस आता था पटक के मार देता था, तो देवकी का स्तन किसी ने झूठा नहीं किया था सातों ने, बलराम जी तो पहले ही चले गए, अब बाकी छह तो कंस ने मार दिए खाली यही थे कृष्ण जिन्होंने स्तन पान किया था, तो अब वो जो स्तन में दूध है वो प्रसाद हो चुका है। अब देवकी ने उन छहों को अपना स्तन पान कराया अपने बच्चों को, उसके बाद सबके सब कहाँ चले गए, ब्रह्मलोक में चले। तो देवकी के पहले छह पुत्रों का कंस के हाथों से विनाश कोई अन्याय नहीं है, देवकी के साथ अन्याय हो रहा है या उन बच्चों के साथ में कोई अन्याय हो रहा है, या नारद जी ने उनको मारने के लिए प्रेरित कर दिया है तो नारद जी ने कोई गड़बड़ कर दी, कुछ नहीं, बहुत ही गंभीर प्लान के अंतर्गत सब कुछ चल रहा है, सुनियोजित है बिल्कुल। क्योंकि इस रूप में शाप मुक्त होकर उन्होंने भगवान का अनुग्रह ही प्राप्त किया, भगवान की कृपा ही तो मिली, भगवान केवल कृपा ही करते हैं और कुछ कुछ है ही नहीं। विचार की बात है कि यदि किसी असुर के शब्द सच हो सकते हैं तो यहां पर यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि बोलने से पहले बहुत सोचने समझना चाहिए, किसी के भी अनिष्ट हो जाए ऐसा कोई शब्द वैष्णवों को तो नहीं बोले, वैष्णव तो पर दुख दुखी होता है, हम अनिष्ट के लिए किसी के लिए सोच भी लेंगे मन के अंदर तो उसका अनिष्ट होगा तो देख भी नहीं पाएंगे, बर्दाश्त हमेशा नहीं होगा, इसलिए कभी भी उद्वेग में नहीं आना चाहिए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान अधम पतित जीवों पर केवल करुणा ही करते हैं, अधम पतित जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति, त्रिभुवन में आपका यश फैला हुआ है क्या, कि अधम पतित जने केवल करुणा मने, पतित पावन है आप, सुनिया साधुर मुखे, मैंने कहां से सुना, साधुओं के मुख से सुना, भक्तों के मुख से सुना, इसलिए उसको मान लिया मैंने, भक्तों के मुख से जो सुना उसको हमने मान लिया, और मान करके क्या किया, शरण लईनु सुखे, बड़े सुख पूर्वक मैंने आपकी शरण ली, उपेक्षिले नाही मुरगति, आप उपेक्षा मत कर दीजिएगा मेरी, आप उपेक्षा कर दोगे मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और कौन है ऐसा दयालु
जो पूतना को जो है वो धाम भेज दे, जो मारने के इंटेंशन से आई थी। कहते भावग्राही जनार्दन ने, कहाँ भावग्राही, भाव ग्रहण किया, भाव ग्रहण करते तो उसको कभी मुक्त करते, ये तो हमको मारने आई थी। केवल करुणा मन तो ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय स सूतिका गृहात यदा बहिर्गंतुम येष तरहजा या योग माया अजनी नंद जायया। ततश्च कब, तब माने कब, जब भगवान ने द्विभुज रूप धारण कर लिया तब। ततः भगवत प्रचोदित, भगवान द्वारा प्रेरित होकर, श्लोक निकाल लीजिए समझ में आ जाएगा। ततः च भगवत प्रचोदित, तब अर्थात भगवान के द्विभुज रूप में आविर्भाव होने के पश्चात भगवत प्रचोदित, भगवान द्वारा प्रेरित या आदिष्ट होकर, भगवान ने क्या कहा था, चिंतन करना। इसका मतलब भगवान जाना चाहते हैं, डायरेक्ट ऐसे बोला नहीं है हमको ले जाओ ये करो, है ना, मतलब ये जाना चाह रहे हैं ना। और फिर हमारा काम है सुरक्षा करना, यहां कहां सुरक्षा हो पाएगी, जेल के अंदर कहाँ सुरक्षित रखेंगे, कहाँ छुपा दें, मटकी के अंदर छुपा दें, क्या करें, वो तो देख नहीं लेगा कहां से, इतना बेवकूफ थोड़ी है, यहां तो कोई छुपाने की जगह ही नहीं है। भगवत प्रचोदित, भगवान द्वारा प्रेरित होकर या आदिष्ट होकर, भगवान की एक्चुअल में जो कहते हैं कि गुरु की इच्छा को ही आदेश समझना चाहिए, शिष्य को इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि गुरु की इच्छा समझ जाए, और भक्त को भगवान की इच्छा समझ जानी चाहिए, भगवान भक्त की इच्छा समझ जाते हैं, भक्त को भगवान की इच्छा समझ लेना चाहिए, क्या चाहते हैं भगवान, भगवान की इच्छा समझना क्या, गीता समझना, गीता में भगवान ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है, माम एकम शरणम भजे मन मनाभाव मद भक्त, क्लियर बात है बिल्कुल, इसमें समझना क्या है, प्रभुपाद जी ने और क्लियर कर दिया सब। तो भगवत प्रचोदित, प्रेरित होकर के या आदिष्ट होकर के, सह शौरी सुतम समादाय, सह शौरी उस वसुदेव ने, उस वसुदेव क्यों कह रहे हैं, उस परम भाग्यवान वसुदेव ने, क्या भाग्य है वसुदेव का, सुतम समादाय, देवकी नंदन को सावधानी से धीरे धीरे गोद में उठाया, कृष्ण को पहली बार गोद में एक जीव उठाने जा रहा है, अभी भगवान ने जन्म लिया है, भगवान को गोद में लेने जा रहा है, भगवान का वो जो कोमल स्पर्श है उसका वो अनुभव करेगा, है ना, उनके माधुर्य का आस्वादन करेगा, छाती से चिपटा करके प्यार करेगा, माँ देव की स्तनपान कराएंगी, क्या सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है सशौरी वो भाग्यवान वसुदेव जो अब कृष्ण को गोद में लेने जा रहे हैं। सुतम समादाय, अब मालूम है कौन है, अब इसको गोद में उठाने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, सावधानी से धीरे धीरे उसको गोद में उठाए, बहुत कोमल देह है भगवान की, मक्खन से भी कोमल है, उसको गोद में उठाने में बहुत सावधानी चाहिए। वैसे ही बच्चा जो नया जन्म लेता है प्राकृत शिशु ही कितना कोमल होता है, भगवान नवनीत से भी ज्यादा कोमल। तो सूतिका गृहात, कंस के कारागार से, यदा बहिर्गंतुम इयेश, जिस समय उन्होंने जेल से बाहर जाने की इच्छा की, किसने, वसुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया और बाहर जाने की इच्छा की, तरही तब, तब क्या हुआ, एक घटना और घट गई, बहुत बड़ी घटना, क्या, या अजा योग माया नंद जायया अजनी, अजा नाम से प्रसिद्ध जन्मादि रहिता, उसका भी जन्म नहीं है, भगवान की शक्ति है, जब से भगवान तब से उसकी शक्ति, जो भगवान की आत्मशक्ति रूपिणी योग माया है वह नंद जायया अर्थात यशोदा से अजनी प्रकट हुई,
इधर कृष्ण को गोद में उठाया, उधर यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। ये दोनों घटनाएं एक साथ हो गई, ठीक है। तरही माने तब माने ठीक उसी समय। भगवत प्रचोदित है, क्या प्रेरणा दी भगवान ने? भगवान ने दोनों की स्तुति सुनी थी, दोनों की मना दशा जानते थे, डर रहे हैं लोग कंस से। तो भगवान ने कहा, यदि कंस से आपको भय है तो मुझे नंद गृह में रखाइए। वसुदेव उस समय दिमाग चला रहे होंगे, किसके घर में रखना है, कहाँ रखना है, क्या करना है। तो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोनम च, भगवान ने कहा नंद बाबा का घर सबसे बढ़िया है, वहां हम रहेंगे, है ना। कौन आइडिया देता है उस समय जब हम इमरजेंसी में कोई कार्य ऐसा कर रहे होते हैं, कोई चीज रखनी है, संभाल कहाँ रखें कहाँ रखें। हम सोचते हैं नहीं, हमको आइडिया आया कुछ नहीं सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवान को वो चीज चुरवानी होगी तो ऐसी जगह रखवा दें चोर की नजर पड़ जाए, बस चाबी बुलवा देंगे, मत स्मृति ज्ञान लगा के छोड़ के चला आया, तो कोई स्टार्ट करके लेके चला गया, गाड़ी लगी। तो ये है, तो भगवान प्रेरित करते हैं। तीन प्रकार के ब्रह्म है ना, भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरक ब्रह्म। भोक्ता ब्रह्म कौन है? जीव। और भोग्य माया, माया का भोग करना चाहता है जीव, और माया का भोग करना चाहता है, पिछले जन्म में भोग करने की इच्छा रख करके मर गया, उसको क्या याद तो उसको प्रेरणा कौन देता है कि तुमने ये इच्छा की थी? कंस को किसने प्रेरणा दी इसके बच्चे मार डालो? प्रेरक ब्रह्म भगवान, ठीक है, वो प्रेरक ब्रह्म है। तो भगवत प्रचोदित है, भगवान के द्वारा प्रेरणा हुई कि नंद बाबा क्या मुझे ले चलो। यहां आपको डर लग ही रहा है, दोनों ने कहा है, बार बार कहा है हमसे स्थिति में। और दूसरा काम क्या करो, एक तो हमको वहां ले चल के छोड़ाओ, दूसरा मेरी योग माया को जिसने यशोदा की कन्या होकर जन्म लिया है उसे यहां ले आइए। ये दो बातें अब कंस को दिखाएंगे क्या? नहीं तो फिर वो असुरक्षित हो जाएगा। कंस कहेगा ये कहीं छोड़ आया है, सारे बच्चे मारो वो उसने बाद में किया भी, इसके बावजूद किया जबकि उसके हाथ में आ गई थी, लेकिन फिर योग माया ने बोल दिया कि तुझे मारने वाला पैदा कुछ सीक्रेट रखते नहीं है, भक्तों के पास कुछ सीक्रेट होता ही नहीं प्रभुपाद ने, डिवोटी वही है जिसके पास कुछ सीक्रेट ना हो, डिवोटी हैज नो पर्सनल लाइफ। अब योग माया भी क्या है, उसने भी बोल दिया, देवताओं पे आकाशवाणी कर दी सब बोले दे रहे हैं, वसुदेव से भी पूछेंगे तुम वसुदेव सत्यवादी, अब कंस जैसा व्यक्ति विश्वास कर गया लेकिन कृष्ण को देख करके सब नियत डोल गई वसुदेव की, कहने लगे इसके बारे में तो नहीं बताएंगे इसकी सुरक्षा के लिए हम झूठे कहलाएं, कुछ भी कहलाएं, वचन भंग हो, असत्यवादी हो जाए इसको तो हम बचाएंगे, इसके बारे में बताएंगे नहीं। ये तो वसुदेव से पूछते हैं, भाई बड़े सत्यवादी हो तुम, बताओ कहाँ रख के आए, कहीं नंद के यहाँ रख के आए तो केवल ऐश्वर्य नहीं था ना, वो माधुर्य भी साथ में है, तो बच्चे की सुरक्षा भी करनी, तो झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं बताएंगे। तो अब रिप्लेस कर दिया भगवान ने कहा योग माया को ले आओ, इसको बताएगी कायदे से कंस को सच सह शौरी ही सुतम समाधाय। तो उस शौरी ने, उस वसुदेव ने, उस माने परम भाग्यवान जो कृष्ण को अब गोद में उठाए हुए है ना, कृष्ण वाह महाराज कहते हैं, कृष्ण वाह। जब कृष्ण को कोई वहन करता है तो क्या होता है, तो सब जंजीरें खुल जाती हैं। इसलिए हमें हृदय में कृष्ण को वहन करना चाहिए। और जब लौट के आए तो क्या हुआ, योग माया को लेकर के आए तो फिर से इसलिए हम माया के चक्कर मत पड़ो, जंजीरें बन जाएंगी, और कृष्ण को उठा के चलोगे तो जंजीरें खुल जाएंगी। ये सीधा सीधा लीला से समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान के द्वारा प्रेरित होकर
परम भाग्यशाली वसुदेव जी ने अपने हाथों की हथकड़ी और पैरों की जंजीर स्वयं खुलते हुए देखकर, वसुदेव जी देख रहे हैं सब खुला जा रहा है, स्वयं खुलते हुए देखकर जब पुत्र को सावधानी से अपनी गोद में उठाकर गोकुल में जाने की इच्छा की। सशौरी सुतम समाधाय सूतिका गृहात यदा बहिर्गंतुम येष, जब बाहर जाने की इच्छा की उसी समय या अजा योग माया नंद जायया अजनी, उस समय गोकुल में भगवान की आजा नाम से प्रसिद्ध योग माया ने यशोदा को निमित्त बनाकर जन्म लिया। गर्भ काल अभी पूरा नहीं हुआ था, 8 महीने थे भगवान गर्भ में, देवकी के गर्भ में अभी 8वां महीना था और यशोदा का भी 8वां ही महीना चल रहा था। गर्भकाल पूरा न होते हुए भी 8वें महीने में अभी कंस को अभी लगेगा कि अभी तो 9 महीने पूरे होने नहीं तो 9 महीने के बाद तो कड़ा पैरा कर देता और ज्यादा, लेकिन वो पहले ही आ गए 1 महीना पहले। गर्भकाल पूरा न होते हुए भी 8वें महीने में देवकी और यशोदा ने एक ही समय संतान को जन्म दिया। हरिवंश नामक शास्त्र में आप देखिए कि यशोदा ने भी कृष्ण को जन्म दिया और यशोदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक कृष्ण और एक योग माया। उसके लिए प्रमाण आ रहा है कहाँ से? हरिवंश से, जो प्रभुपाद जी ने कोट किया। हरिवंश नामक शास्त्र में इसी लीला से संबंधित एक वाक्य लिखा है, गर्भ काले तु असंपूर्ण, अभी गर्भकाल संपूर्ण नहीं हुआ है, अष्टमे मास इत्ते स्त्रियो, 8वें महीने में ही ते स्त्रियो, द्विवचन बालक है बालकौ, पितर है पितरौ, औ की मात्रा आती है तो द्विवचन होता है। स्त्रियो स्त्रियों ने, अब केवल देवकी ने जन्म दिया होता तो एक वचन में होता। तो गर्भ काले तो असंपूर्ण अष्टमे मासी ते स्त्रियो देवकी च यशोदा च, अब और क्लियर, सुशुवाते यानी उन्होंने प्रसव किया, समम तदा, समम माने उसी काल में, दोनों कृष्ण की कुंडली एक ही रहेगी ना, अभी योग माया तो बाद में आ रही है ना, योग माया तो कब आ रही है, जब उठा लिया, लेकिन ये दोनों समम काले, ठीक है। एक श्लोक है हरिवंश में लेकिन सनातन चक्रवर्ती पाद ने उसको खूब गंभीरता से लिया। तो गर्भ काले तो असंपूर्णे अष्टमे मासिते स्त्रियो देवकी च यशोदा च सुषुवाते समम तदा, दोनों ने एक साथ बच्चों को जन्म दिया। इसमें समम शब्द महत्वपूर्ण है, समम का अर्थ है एक साथ, अर्थात समान काल में ही देवकी और यशोदा ने जन्म दिया। परंतु भागवत के इस श्लोक में जो अभी हम लोग ने पढ़ा उसमें क्या बताया गया, क्या बताया गया? जब उन्होंने गोद में उठा लिया तब जन्म लिया। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदितः सुतम समादायत ससूतिका गृहात यदा बहिर्गंतुम येष, जब बाहर जाने की इच्छा की तरह जा या योग माया अजनी, किसने अजनी, अजनी माने जन्म दिया, किसने दिया? नंद जायया यशोदा ने। तो देवकी के पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात दोनों ने उनका चरणों से लेकर के मस्तक तक दर्शन किया। अब देखिए गैप कितना आया, वो गैप इससे आइडिया लगाइए, पहले तो दोनों देखते रह गए कि ये मेरा पुत्र है। तम अद्भुतम बालकम अंबुज क्षणम, कमल जैसी इसकी आंखें हैं, बेटे को निहार रहे हैं दोनों वसुदेव देव की। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकोस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध सौभगम महार वैदूर्य किरीट कुंडलम त्विषा परिश्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचं गद कंकणादि भी विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। इतना सुंदर रूप वसुदेव देवकी ने देखा दर्शन करने के बाद तो सुधबुद्ध खो गए बिल्कुल,
काफी देर तक तो ऐसे ही बिल्कुल रह गए मौन। उसके बाद वसुदेव ने प्रणाम किया, स्तुति प्रारंभ की। दर्शन के बाद वसुदेव ने स्तुति की, फिर देवकी ने स्तुति की, फिर भगवान ने देवकी वसुदेव के पिछले 3 जन्मों की बातें बताई, और भगवान ने उनको उपदेश किया कि किस भाव से तुम लोगों को मेरा चिंतन करना है अब आगे, तब आप मेरी आगे की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। जब तब भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जब देवकी को, देवकी नंदन को, वसुदेव जी भगवान की प्रेरणा से जब देवकी नंदन को अपनी गोद में उठाकर सूतिका गृह के बाहर निकालने के लिए उद्यत हुए, तब श्री भगवान की आत्मशक्ति रूपिणी जन्म रहिता योग माया ने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया। तो भागवत का श्लोक ये कह रहा है योग माया ने जन्म तब लिया, और हरिवंश का श्लोक कह रहा है कि दोनों ने एक साथ जन्म लिया। इसका मतलब दोनों सत्य होंगे। देखिए शास्त्र पर विश्वास इस चीज को कहते हैं। कब आदमी किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है? तो दोनों शास्त्र दोनों ही प्रामाणिक। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी निष्कर्ष निकाल रहे हैं दोनों के इन वचनों से। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, उसी समय यशोदा जी ने भी श्री कृष्ण को जन्म दिया। उसके पश्चात कुछ ही देर में यशोदा ने पुनः योग माया को भी जन्म, जुड़वा बच्चे होते हैं तो जरूरी थोड़ी एक साथ ही निकल आते हैं, एक एक करके आए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी जुड़वा थे, बारी बारी से आए। जो जो बाद में जन्म लेता है वो बड़ा माना जाता है कि जो पहले जन्म ले वो बड़ा? जो बाद में जन्म लेता है वो बड़ा माना जाता है, क्योंकि गर्भ में वो पहले आया है। गर्भ में पहले आया, पहले एक ट्यूब में एक चीज डालो फिर दूसरी डालो, तो पहले निकालेंगे कौन सी? जो बाद में डाली थी। तो पहले जो बाद में गर्भ में आया वो पहले निकलता है। जो गर्भ में आने के समय की बात होती है तब वो बड़ा छोटा माना जाता है। लेकिन संसार में तो ऐसे माना जाता है कि जो पहले जन्म लिया बड़ा है ना? तो चूंकि भगवान लीला ऐसी कर रहे हैं, ऐश्वर्य भावहीन लीला, इसलिए इनको छोटी बहन कहा जा रहा है, जबकि आदेश तो उसको पहले हो गया था। तो दोनों शास्त्रों को प्रामाणिक मानना, और उससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि कृष्ण ने दोनों जगह पर जन्म लिया। अगर हम थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं दोनों शास्त्रों पे, तो ये निष्कर्ष छूट जाएगा हाथ से, फिर हम नहीं समझ पाएंगे बिना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, आई नंद तनुज किंकरम। नंद तनुज, तनुज माने नंद के, नंद महाराज के शरीर से उत्पन्न होने वाला। तो नंद तनुज जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इसका मतलब कि यशोदा तनुज भी है ना। और देवकी नंदन तो भाई है, वो तो सब जानते हैं, वो कौन नहीं जानता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा नंद तनुज, उनसे बड़ा तो कोई प्रमाण है ही नहीं, उससे ज्यादा हम किसी के प्रमाण का सम्मान ही नहीं करते। इस प्रकार अलग अलग समय पर थोड़े ही अंतराल पर यशोदा के 2 संतानें हुई, ऐसा समझना होगा। इसे कहते हैं वैदिक श्रुति शास्त्रों की प्रामाणिकता पर पूर्ण विश्वास होना। इस विश्वास होने पर ही भगवान की लीलाओं की दिव्यता को समझा जा सकता है। इसलिए हमें वैदिक श्रुति शास्त्रों और प्रमाणों का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। कौन सा नाम अपराध है? 8वां, 14। वैदिक श्रुति शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना, खंडन करेंगे तो हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। वेद व्यास द्वारा रचे गए सारे शास्त्रों में कही गई सब बातें सत्य हैं। इसका खंडन करके हम मंडित नहीं होंगे बल्कि हम वंचित होंगे। हम कहें खंडन करके हम व्यासदेव से बड़े बन के दिखा रहे हैं, नहीं, मंडित नहीं होंगे,
हम वंचित हो जाएंगे, उस रस से वंचित हो जाएंगे जिस रस का आस्वादन सारे लोग कर रहे हैं, ब्रजवासी करने जा रहे हैं, कृष्ण चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं कि दो संतानों ने जन्म लिया, अब पहले वाला बच्चा कृष्ण ही है यशोदा का, ये कैसे माने, कोई और हो। ठीक है, एक साथ वहां पे भी जन्म दिया, समम समम शब्द से ही निकाला कि उस समान काल में दोनों ने जन्म दिया था, फिर एक बाद में जन्म दिया, बाद वाला तो योग माया बिल्कुल क्लियर है, पहले वाले को तो क्वेश्चन मार के कृष्ण ही था कोई और था। तो श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय में आने वाला है तीसरा, हम लोग चल ही रहे हैं, उसका नौवां श्लोक। जब कंस आकर के योग माया को उठा करके और पटका उसने, उस समय के का एक श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के चौथे अध्याय के नवें श्लोक में योग माया को श्री कृष्ण की अनुजा, योग माया तो सब जानते हैं कि यशोदा की पुत्री है, और अनुजा अर्थात छोटी बहन कहा गया है। तो अनुजा माने एक ही माता से जन्म लेने वाली छोटी बहन, इसको कहते हैं अनुजा। तो कृष्ण की अनुजा माने यशोदा ने भी कृष्ण को ही जन्म दिया, ये हो गया प्रमाणित। सा तद हस्तात् समुत्पत्य, सा माने योग माया, तद हस्तात् कंस के हाथ से, तद हस्तात् हस्त हाथ से समुत्पत्य, उसने तो पटका था नीचे लेकिन वो गई ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वहां फेल हो गया है ना, माया दक्षिण प्रकृति प्रकृति भगवान कहते हैं, नीचे पटकी हुई चीज ऊपर जा रही है, अभी तक तुमने छे तो पटके थे नीचे ये क्या हो गया, आओ चक्कर में पड़ा, न्यूटन्स लॉज ऑफ फेल। सात तद हस्तात समुत्पत्य सद्यो देवी अंबरम गता, वो आकाश में चली गई, अदृश्य तनुजा विष्णु, वो भगवान की अनुजा है, सायुधाष्ट महाभुजा, और लंबी लंबी उसकी आठ भुजाएं, उस सब में सब शस्त्र धारण किए हुए, ऐसा रूप धारण कर लिया। तो यशोदा नंदन और देवकी नंदन के प्राकट्य में एक और विशेष बात बताई प्रभुपाद जी ने, कि यशोदा ने नराकृति स्वरूप को जन्म दिया, और जबकि देवकी नंदन क्या है, पहले चतुर्भुज रूप में आए। ये बातें हैं भगवान के जन्म की दिव्यता, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जय श्रील प्रभुपाद। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रमा सेवमानम् गोविंदम् आदिपुरुषं तमाहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सदमस्तु कल्प वृक्षलक्षावृतेषु सुरभि रविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेवमानम् गोविंदम् आदिपुरुषं तमा
संघयामि। बेनं कन्वन्तं अरविन्ददाताक्षं बेनं कन्वन्तं अरविन्ददलायताक्षं वराहावतं समसितां बुधसुन्दराङ्गम् कन्दत्वकोटि कमणीयं विशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमाहं भजामि। चिन्तामणि प्रतरसद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरवि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमाहं भजामि। आलोलचन्द्रकलस वनमालवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकैली कलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमाहं भजामि। चिन्तामणि प्रकरछद्मसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमाहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमाहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमाहं भजामि। चिन्तामणि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। आनन्दचिन्मयसदूत् जलविग्रहस्य
गोविंदं आदे पुरुषं तमाहं भजामि चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदं आदिपुरुषं तमाहं भजामि 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 चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु रवि पालयन्तम् चिंतामणि